सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ इट सेज कम्युनिकेशन थियरीज ओरिजिन्स मेथड्स एंड यूजेस इन द मैस मीडिया. उसके नीचे दो ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, दैट सेज वर्नर जे सेवरिन और उसके नीचे टैंकार्ड. सेवरिन एंड टैंकार्ड के नाम से फेमस है ये. एंड आई सिलेक्टेड दिस चैप्टर बिकॉज इट हैज समरीज ऑफ सो मेनी डिफरेंट थियरीज. आप देख रहे हैं यहाँ पे इट सेज ऑन टॉप फॉर एग्जाम्पल द बुलेट थ्योरी. यहाँ पे ये आपको बुलेट नजर आया ना, इट सेज बुलेट. अगले पेज पे जाएं तो आपको ये बता रहा है लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल. इफ यू कीप गोइंग अप यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ न्यू टॉपिक्स. द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक एक्सपीरियंस, यू कैन ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिंथेटिक एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है. फॉर इंस्टेंस मोशन पिक्चर टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स. ठीक है, मोशन पिक्चर टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट सिंथेटिक एक्सपीरियंस जो है इट एक्चुअली अप्लाइज टू ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया. ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया स्पाइरल ऑफ साइलेंस, जो कि आई बिलीव के सिंथेटिक के नीचे ही था कहीं पे ये लिखा हुआ है. Right, spiral of silence. So you can see that these each one of these topics actually represent separate dimensions of film and television studies. This chapter is providing you a kind of literature review of what we call effects of film or effects of television on audience. It says Meadow 1985-158. जहाँ पे मीडो इज सेइंग के आफ्टर फोर डेकेड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन वी आर लेफ्ट विद वन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ मीडिया इफेक्ट. इट डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, इफ यू आप मुझे बताएंगे कि हाउ मच यू आर फेमिलियर विद द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन एंड व्हाट डू यू थिंक इफेक्ट्स मे बी अबाउट. कोई आपकी ओपिनियन है अबाउट इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन? आई सजेस्ट यू ट्राई गिविंग some kind of response to this question. Do you think media leaves effects on audience? Yeah, films leave effect on audience. Ma'am, obviously, like we see so many examples, like जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं न्यूज़ का देख रहे हैं या जिस तरह से ये game shows का हम देख रहे हैं, it has a huge impact on audience. So आपने ये तो dramas का हम जिस तरह से देख रहे हैं. हाँ. So can you give an example of the effect or impact? Like simply अगर हम देखें एक जो सबसे कॉमन वो है तो इलेक्शन के लिहाज से हम देख लीजिए कैंपेन्स वगैरह ये चलाते हैं जिस तरह से मतलब रिपोर्ट करते हैं मीडिया पे, या सिंपली अगर अभी ये पीडीएम का हम देख लें जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये एक आई गेस एक कॉमन एग्जाम्पल है कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट जा रहा है इसका मीडिया ऑडियंस पे और उसका आम कॉमन जो मतलब लोग आवाम है उन पे. You have mentioned that whatever you are watching has an effect, right? Lekin aapne ye nahi bataya ki how you are seeing the effect on people. You are saying it leaves effect. Lekin agar aap keh rahe hain ki it left an effect, to phir aapke effect ki you should give an example of the effect, na? जी, जो मैं देख रहा हूँ ये कि लाइक दे आर हेल्पिंग पीपल लाइक यू नो हैव एन ओपिनियन, लाइक लोग जो है ना वो ये चीजें जो देख रहे हैं टीवी पे तो उनके एक ओपिनियन बन रहे हैं कि मतलब वो किस साइड पे जाएं, लाइक वो लाइक ओपोजिशन की तरफ पे जाएं या गवर्नमेंट की तरफ पे जाएं, तो जो वो देख रहे हैं इट इज लाइक काइंड ऑफ हेल्पिंग देम फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट सर्टेन थिंग्स. So whatever you are saying is about the media. You are saying that media is helping people form an opinion or media is offering an opinion to the people. So question mera ye tha. अभी सही और गलत वो अलग बात है, लेकिन there is an opinion. वो तो आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना कि इट इज गिविंग मैसेजेस. यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अगर टीवी की बात करें मैम, टीवी इज लाइक अ मेजर रोल प्लेइंग अ रोल, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल. तो So TV is a medium na, Shayan, TV is a medium and you are saying ki TV is playing a major role. So you are talking about the medium ki baat kar rahe hain, jabki aap ye keh rahe hain ki it has an effect on people. ठीक है, तो मैंने मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ये तो कह दिया कि टेलीविजन हैज एन इफेक्ट ऑन पीपल, बट यू हैवंट येट सेड कि आपको पता कैसे चला कि इट हैज एन इफेक्ट. You know के for instance ये नहीं बता सकते, लाइक कॉमन ऑब्जर्वेशन कह लेंगे अभी.
तो ऑब्जर्वेशन किसके बारे में था? वर यू ऑब्जर्विंग टीवी और वर यू ऑब्जर्विंग समथिंग एल्स? मैम हम तो बहुत दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक मीडिया को भी, और मतलब जो आवाम का रिएक्शन आ रहा है, लाइक ऑब्वियसली सोशल मीडिया की तरफ से। मैं तो लाइक पर्सनली अभी लोगों के अंदर नहीं हूँ, लेकिन जो ट्विटर वगैरह पे या फेसबुक पे जो देखने को मिल रहा है रिएक्शन, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो दिस टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिस्पॉन्स, राइट? पहले जो आप इतनी देर से बात कर रहे थे, यू वर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिस्पॉन्स, यू वर ओनली टॉकिंग जी जी अबाउट जी मीडिया, ठीक है? जी जी उसके बिल्कुल बाद जब आपने मीडिया से डाइवर्ट किया टुवर्ड्स पब्लिक रिस्पॉन्स, उस वक्त भी जो आपकी इनिशियली यू स्टार्टेड विद सोशल मीडिया, विच मींस कि यू वर टॉकिंग अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ मीडिया, जी यू जी वर नॉट बिल्कुल येट टॉकिंग अबाउट पीपल. फाइनली फाइनली यू मेंशन्ड कि पब्लिक इज कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड ट्विटर. तो मैं आपसे जी जी सिर्फ बिल्कुल ऑल आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दैट इट टुक यू अ बिट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द रियल क्वेश्चन. रियल क्वेश्चन वाज कि हाउ यू हैव जज इट हैज एन इफेक्ट, जो कि जी आपने आपने पहली अटेम्प्ट में आपका रिस्पॉन्स था बाय लुकिंग एट टीवी. तो मैंने कहा टीवी पे तो आप रिस्पॉन्स स्टडी कर ही नहीं रहे, वो तो आप वन साइड स्टडी कर रहे हैं. फिर जी आपने जी मेंशन किया सोशल मीडिया, यू वर स्टिल टॉकिंग अबाउट वन साइड. देन यू मेंशन्ड के पब्लिक इज लीविंग रिस्पॉन्सेज ऑन ट्विटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. तो दैट इज वेयर यू स्टार्टेड बिल्कुल टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिस्पॉन्स. तो वो जी पार्ट जी था जी कि जो यानी ऑब्जर्वेशन का जो क्वेश्चन था, विच मीन्स के यू हैव ऑब्जर्वेशन से ज्यादा यू हैव नॉट रियली ऑब्जर्व पीपल डायरेक्टली. जो आप ऑब्जर्वेशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन में आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो किया ही नहीं, यू आर स्टिल लुकिंग एट पब्लिक रिस्पॉन्स ऑन ट्विटर. आपने देखा कि जी ट्विटर पे लोगों ने क्या कहा, या मुख्तलिफ टाइप ऑफ सोशल मीडिया पे व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग, तो आप उसकी बात कर रहे हैं. सो ऑल आई एम सेइंग कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपने बात की थी उसके कितने एस्पेक्ट थे. लाइक फॉर इंस्टेंस यू वर लुकिंग एट यू वर सीइंग मीडिया कॉन्टेंट, यू वर लुकिंग एट यू वर टॉकिंग अबाउट टेलीविजन न्यूज, एंड यू यू सेड टेलीविजन न्यूज इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल, राइट? आपने कहा कि टेलीविजन न्यूज इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल. सॉरी ये समहाउ दोबारा डिड्यूस हो गया, मैंने इसको फुल साइज में खोला हुआ था. एंड देन यू सेड कि टेलीविजन न्यूज हैज एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. तो यू वर टॉकिंग अबाउट द मीडियम, यू वर नॉट येट टॉकिंग अबाउट हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मीडियम विच इज पब्लिक, राइट? तो मैं आपसे सिर्फ यही कह रही थी कि जो आप मुख्तलिफ चीजें वट एवर यू आर सेइंग, यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. और जो आपने शुरू में कहा दैट वाज अबाउट द मीडियम एंड नॉट द रिसिपियंट. आपने जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक साइड पे मीडिया होता है, फिर दूसरे एंड पे रिसीवर होता है, राइट? तो कम्युनिकेटर एंड रिसीवर, और फिर वो मैसेज जो है वो मीडियम के थ्रू, मीडियम मिडल में होता है ना, एक साइड पे कम्युनिकेटर है, बीच में मीडियम है, लाइक टेलीविजन के ऑन द अदर साइड ऑफ टीवी और इज समबडी. तो उसने टेलीविजन के थ्रू मैसेज रिसीवर को भेजा. सो रिसीवर जो है उसको आपने कहा कि आपने ऑब्जर्व किया, एंड आई सेड कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन वुड इन्वॉल्व रिसीवर्स डायरेक्ट प्रेजेंस बिफोर यू. ये उसका अगला एस्पेक्ट था. आपके सारे जवाब सही हैं, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू सेपरेट दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, मीडियम इज वन थिंग, रिसिपियंट इज अनदर थिंग, और ऑब्जर्वेशन इज अनदर टाइप ऑफ थिंग. ऑब्जर्वेशन के लिए आपको डायरेक्टली पर्सन की प्रेजेंस चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में इस वक्त आपके आसपास अगर कोई भी पर्सन मौजूद है, तो यू कैन प्रॉबली लुक एट द पर्सन एंड यू कैन से दिस इज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन और दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन. या आपने यू नो लाइक आपको ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आप पार्क में जाके बैठ गए या क्रिकेट ग्राउंड में जाके बैठ गए, तो यू कैन ऑब्जर्व पीपल वॉकिंग और यू कैन ऑब्जर्व चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल. तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको जो 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 लोग हैं उनको आपके साथ आपको अपने सामने डायरेक्ट प्रेजेंस चाहिए होती है, राइट? सो ऑल आई एम सेइंग कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरीज एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, तो हमें हर हर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है और हर चीज का एक पर्टिकुलर मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, जो टेलीविजन है या सोशल मीडिया है या फिल्म है, इट इज देयर, और उसका उसके दूसरे एंड पे रिसीवर है,
राइट तो आप राइट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि इफ दिस आर्टिकल इज सेइंग 40 इयर्स हो गए इसके अंदर जब कम्युनिकेशन इफेक्ट्स की स्टडी स्टार्ट हुई, देन यू कैन सी अ डेट 1985 एंड देन यू कैन सी अनदर डेट 1982. तो आपको एटलीस्ट दिस पेज इज टेलिंग यू कि ये आर्टिकल गालबन मिड 80s तक तो बिल्कुल भी नहीं प्रिंट हुआ, अदरवाइज दिस ऑथर विल नॉट कोट 1985. ठीक है, तो सेवरन एंड टैंकार्ड की जो भी बुक है वो तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि व्हेन पॉसिबली दे माइट हैव चेप्ट दे माइट हैव प्रिंटेड दिस चैप्टर और बुक एक्सेट्रा. राइट, सो मैंने व्हाई आई सिलेक्टेड दिस चैप्टर बिकॉज आई थिंक देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी और नॉट इंक्रीजिंग Perhaps आप कह सकते हैं कि students और teachers have been persistently focusing on research topics such as effects of communication or effect of crime on youth or effect of, for example, sexual harassment issues shown in TV on viewers. राइट, आपने देखा होगा इस साल भी हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ यू नो थिएटर फिल्म एंड टीवी TFT में MS प्रोग्राम में इस साल भी देयर वर एटलीस्ट टू थीसिस जिनमें से एक फोकस कर रहा था इफेक्ट्स ऑफ हॉलीवुड बॉलीवुड एंड लॉलीवुड फिल्म्स ऑन व्यूअर्स और दूसरा फोकस कर रहा था कि हम एंड ARY जो सेक्शुअल हरासमेंट को इतना ज्यादा कवर करना शुरू हो गए हैं उस सेक्शुअल हरासमेंट का लोगों को टीवी पे उन सेक्सुअल हरासमेंट प्लेस देखने का लोगों पे क्या इम्पैक्ट है. राइट, सो देयर वर एटलीस्ट टू पब्लिक रिस्पांस स्टडीज दिस ईयर. ओके, तो मैं इस वजह से कह रही थी कि व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिस्पांस वी कैन टॉक अबाउट यू नो लाइक वी कैन टॉक अबाउट सर्वेज, वी कैन टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस, वी कैन टॉक अबाउट फोकस ग्रुप्स एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फॉर इंस्टेंस कि जी हमने सर्वे किया, एक्सपेरिमेंट किया, फोकस ग्रुप किया और समथिंग एल्स यू नो, क्योंकि देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि जब आप ऑब्जर्वेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जर्वेशन हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग विद इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च एंड थियरीज एक्सेट्रा. उसका मतलब नॉर्मली सिर्फ यही होता है कि यू आर ऑब्जर्विंग पीपल डायरेक्टली. तो अभी जो आपने कहा था कि यू वर टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिस्पांस ऑन ट्विटर और ऑन सोशल मीडिया, तो आपको उसको पढ़ के लगा कि टेलीविजन न्यूज आपने पर्टिकुलरली मेंशन की थी. यू सेड दैट टेलीविजन न्यूज हैज एन इम्पैक्ट ऑन व्यूज ऑफ पीपल जो कि आपने ट्विटर पे पढ़े. जी बताइए. जी बताइए. रिएक्शन कब बताऊं? जो भी आप कहना चाह रहे हैं, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से. आई थॉट यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू द डिस्कशन. मैं तो बस मतलब लाइक लास्ट नाइट भी हम देख रहे थे कि उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ था ये पीपल पार्टी वालों ने, और उसके अगेंस्ट जो है ना PTI वालों ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ था. मतलब दे और kind of, I would say, कि शेमिंग ईच अदर के, मतलब ये कर रहे हैं, एक पार्ट ये कह रही है, दूसरी पार्ट ये कह रही थी. और फिर जो गवर्नमेंट का वो था तो उन्होंने कोरोना का वो बीच में लेके, अब ये कोरोना फैलाने में वो कर रहे हैं. तो इस टाइप का सारा कुछ मतलब और रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा था. और सेकेंडली जो PDM का था, उन्होंने अभी ये मेडिकल का जो एग्जाम वो होने वाले हैं, ये टेस्ट होने वाले, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब तकरीबन 1,00,000 स्टूडेंट हमारे जलसे में आएंगे, मुल्तान के जलसे आएंगे, पता नहीं कहाँ पे, तो वो उनको भी मिला रहे साथ में. तो ये मतलब इस टाइप का देखने को मिला था रात को. ऑलराइट, तो शायान सनी, राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. एक वो मटेरियल है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं. राइट, यू आर सेइंग कि PTI वाज सेइंग दिस एंड पीपल्स पार्टी वाज सेइंग दिस. तो यू आर टॉकिंग अबाउट के व्हाट पीपल्स पार्टी एंड PTI आर पोस्टिंग. ठीक है, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं वो कंटेंट जो के पॉलिटिकल पार्टीज आर पोस्टिंग, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं. जी जी मैम, सिर्फ पॉलिटिकली उसमें आम लोग भी अलग अलग, मतलब जो नॉर्मल. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये दो अलग अलग किस्म के लोग हैं. जो आम लोग हैं दे आर रेस्पोंडेंट्स, वो रेस्पोंडेंट है ना. एक वो दो किस्म की चीजें इन्वॉल्व हैं. वन इज द कम्युनिकेटर एंड द अदर इज द रिसीवर हु इज रिस्पोंडिंग. राइट,
यस तो मैम, आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट हैज बीन पोस्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल एंड देन यू आर सेइंग दैट रेस्पोंडेंट्स आर जो पब्लिक है पब्लिक एट लार्ज इज रेस्पोंडिंग टू द कंटेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर पोस्टिंग। यस मैम, ठीक है, तो मैं आपसे जी ये कह रही थी कि एक एंड पे वो कंटेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज पोस्ट कर रही हैं, राइट, एंड पॉलिटिकल यस मैम, पार्टीज आर यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ मीडिया फॉर पोस्टिंग दैट कंटेंट। राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज आर पोस्टिंग कंटेंट, राइट। दूसरी जी तरफ आप ये बिल्कुल, कह रहे हैं कि चूंकि ये सोशल मीडिया है तो पब्लिक इज रिस्पॉन्डिंग टू वट एवर यस मैम, मैसेजेस द टू पोलिटिकल पार्टीज आर पोस्टिंग। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा कि जी पीटीआई और पीपीपी आपने मेंशन किया, आपने मुस्लिम लीग फॉर एग्जांपल यू हैवंट मेंशनड एट ऑल, तो आई यस वंडर। मैम, ठीक है, तो मैं ये भी देख रही थी कि बिल्कुल वो पीटीआई नहीं मेंशन इज, किया। हाँ, पीटीआई इज कंपीटिंग विद पीपीपी राइट नाउ। यस मैम, आप जी जी आपकी बात से ये लगा कि दो 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 बॉडीज दो पॉलिटिकल पार्टीज हु आर कंपीटिंग ऑन दिस फोरम आर मैम, आई हैव फॉलो अप पीपीपी। क्वेश्चन बताइए मैम। हेलो, जी जी बोलिए। लाइक मैंने रात को जब आपने ये मटेरियल पोस्ट किया तो आई आई लाइक यू नो थोड़ा सरसरी सा मैंने देखा ये बुलेट थ्योरी का। तो जी। लाइक इसका जो इंसेप्शन था, तो उन्होंने कहा था कि दिस स्टार्टेड विद लाइक नाजी एरा, लाइक 1930s एंड 1940s में इसका वो था। तो लाइक जो अभी हम देख रहे हैं, लाइक ये ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया। तो लाइक विल दिस स्टिल फॉल अंडर द बुलेट थ्योरी, जो उनका वो है, जो उनकी थ्योरी है, कि हाँ, लाइक ये हमें असल में इस आपको तरह ये से व्यूअर समझना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चाहिए। हाँ, आपने इट वाज आई थिंक इट्स वेरी गुड टू मेंशन कि यू आर सेइंग कि ये जो बुलेट थ्योरी जो है यू आर सेइंग इट्स मोर रिलेटेड टू नाट्सी एरा। असल में इट्स नॉट अबाउट द नाट्सी एरा एज सच, बट यस यू आर राइट इन अ वे बिकॉज टेलीविजन जो फिल्म के मीडियम की इन्वेंशन है, यू नो व्हेन फिल्म स्टार्टेड, डू यू जी मैम, यस मैम, एनी आइडिया? गिव मी द डेट। मैम जो इनिशियल थी, जो पहली जो घोड़े वाली वो बनाई थी, दैट वाज इन 1896। उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ने स्टार्ट लिया हुआ था, लाइक 1905 में जब फिर जॉर्ज मिली आ गए, फिर चार्ली चैप्लिन आ गए, बस्टर कीटन, ये सारे जब आ गए। दोबारा बताइएगा डेट। 1890s, मतलब नॉट एग्जैक्टली श्योर, लाइक आई गेस इट वाज 1896 जो जो द वेरी फर्स्ट सही फिल्म। है, 1896 में पेरेंट्स वर स्क्रीन इनविटेशन दिया। ठीक है, जो मैम जो सबसे पहली फिल्म बनी थी, लाइक द हॉर्स रनिंग जो एंड फिर पहली फिल्म्स में और वो फिर अकेले, मतलब फिर जी, बोलिए, हॉर्स हॉर्स रनिंग कौन सी डेट है उसकी? आई एम नॉट श्योर अबाउट मैम, बट लाइक इट्स द वेरी फर्स्ट फिल्म, इट्स इन 18th 19th सेंचुरी की वो है कितनी ड्यूरेशन की फिल्म होगी? मैम, बियरली लाइक 5-10 seconds। आप कह रहे हैं कि ये 1890s के एंड की फिल्म है? इज दिस 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 हैज कलर मैम वो बहुत पुरानी है, आप लिखें लाइक वेरी फर्स्ट नॉट। मूवी लाइक एवर मेड। फर्स्ट फिल्म एवर मेड। ये देखें, लिखा हुआ है लूमियर ब्रदर्स द अराइवल ऑफ नहीं, द ट्रेन। ये इससे भी पहली है, ये तो ट्रेन वाली, जब ट्रेन आ रही होती है, इससे भी पहले की एक वो है, घोड़ा जो है दौड़ रहा होता है। आपने नीचे आए जरा आप, ये लिखा हुआ है जी 1889। जी बस यही है, जी, एग्जैक्टली यही है, ये बात 1889 में ये। हाँ, 1889 कैरी देता है। Capture motion and his zoopraxiscope. Experiment successfully took place on June 11th, 1878. He used a series of 12 stereoscopic cameras 21 inches apart to cover the 20 feet taken by one horse stride. Taking He used the same technique with other animals. However, these were all a series of still photos viewed in sequence. Innovator राइट, तो बेसिकली वो आपसे यही बात कर रहा है कि देवर स्टिल्स जो कि शुरू में जी आए जी
जो 1896 में आए हैं वो भी स्टिल्स ही हैं. ये आपको 1878 और 1879 डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस बता रहा है, राइट? सो ऑल आई एम मैम सेइंग कि जब ये फिल्म एज ए मीडियम स्टार्ट हुआ है तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स जो कि आपने मेंशन की योरसेल्फ के बुलेट जी जी मैम थ्योरी के इट्स मोर रेलेवेंट टू वर्ल्ड वॉर एरा, तो आपको ऑल ऑफ अस नो कि सबसे पहले फिल्म ही आई थी. टीवी तो काफी बाद में जी जाके आया है, राइट? टेलीविजन स्मॉल एग्जैक्टली स्क्रीन इज इन्वेंटेड मच लेटर, राइट? सो बेसिकली जो जी आपने मैम नाट्सी एरा का जो मेंशन किया या वर्ल्ड वॉर्स का जो मेंशन किया, वी कैन डेफिनेटली से के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स विच वॉज के आपकी पहली वर्ल्ड वॉर जो है वो तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में स्टार्ट हो गई थी. कब स्टार्ट जी हुई जी थी, मैम एनी आइडिया? 1914 में सॉरी, सेकेंड सेकेंड डेकेड में, 1914 से 2019 से 20 सॉरी 1919 से 1914 से 1919 तक, ठीक है? तो जी अगर जी आप जी ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से, तो यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट के नाट्जीज ने इन पर्टिकुलर यूज्ड फिल्म एज ए मीडियम. सिर्फ नाट्जीज ने नहीं यूज किया, जितनी हैं आपकी जी फासिस्ट मैम एंड, रशिया ने या बिल्कुल हाँ, फासिस्ट एंड टोटेलिटेरियन जिनको आप कहते हैं, जिसमें बहरहाल आपका चाहे रशिया भी आ गया और जर्मनी आ गया, यू कैन टॉक अबाउट इट के दे वर यूजिंग फिल्म फॉर कम्युनिकेशन. और लोग एक्चुअली फिल्म को देखने जाते थे टू वॉच दिस काइंड ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा. तो जी मैम आपके जिसमें जो आप अगर मोस्ट फेमस फिल्म्स की बात करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यू नो के आइजनस्टाइन की फिल्म हमने मेंशन की थी शायद, वर्ल्ड आइजनस्टाइन वॉर की. वन के दौरान वो भी हमें देखने को मिली थी, बैटल शिप पोटेमकिन, वो जो प्रोपेगेंडा मूवी उन्होंने बनाई थी। हाँ, बैटलशिप पटमकिन भी है और ये आपको लिखी भी नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2018 यहाँ पे नजर आई. ये तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में इन्होंने लास्ट ईयर इस फिल्म को एक सिनेमा में दोबारा चलाया है, राइट? तो आप जी अक्टूबर इज अ फेमस फिल्म, बैटलशिप पटमकिन इज अनदर फिल्म. और फिर जर्मनी में अगर आप जाते हैं तो ये हिटलर ने फिल्म प्रोड्यूस की थी, ही हैज अ टाइटल, ही हैज हिज नेम इन द टाइटल ऑफ द फिल्म एज वेल, और फिल्म का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द विल, ठीक है? जी ट्रायम्फ ऑफ द विल, सॉरी, ये आपको ऊपर ही नजर आ गया, राइट? तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में हिटलर का नाम बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे. इसके जब आप टाइटल्स देखेंगे तो हिटलर का नाम इसमें अपियर होगा, एडोल्फ हिटलर एज प्रोड्यूसर, और जी डायरेक्टर है लेनी रिफेनस्टाल. सो आपसे नाउ नाउ गोइंग बैक टू द मैम रीडिंग, ये कब बनी थी, लाइक व्हाट्स द डेट ये ऑफ दिस वन? इसकी आप जो है ये 1934 में हुई नरमबर्ग रैलीज, तो यू कैन से कि फिल्म जो है 1934-1935 में रिलीज हो गई थी. सही सही वर्ल्ड वॉर टू से पहले रिलीज हुई है. एंड दिस इज ये इसमें और बैटलशिप पोटेमकिन में फर्क ये है कि एक में हिटलर बैठा हुआ है और एक एक जो इसकी ये शूटिंग कर रहा है, यू नो. तो यू कैन से जी मैम कि ये कैमरा ये आप जहाज के अंदर से ले रहे हैं ना शॉट्स, तो यू कैन सी के इस फिल्म का मूड बड़ा पीसफुल है, ट्रांक्विलिटी है. दिस इज अ वर्ल्ड वॉर टू फिल्म. और जो जो आप बात कर रहे थे अभी बैटलशिप पोटेमकिन की, इट्स अ वेरी वायलेंट फिल्म, इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड वॉर फिल्म. सो बेसिकली दोनों ही, चाहे वो बैटलशिप पोटेमकिन है या ट्रायम्फ ऑफ द विल है, एंड आई सेड दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट्स, तो यू कैन सी कि दोनों फिल्म जो हैं दे वर यूज फॉर प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स. जो आप बुलेट थ्योरी को लिंक कर रहे थे, तो बेसिकली फिल्म बीइंग द फर्स्ट मीडियम टू यू नो विजुअल मीडियम, प्रिंट मीडिया तो उससे पहले भी मौजूद था ना, लेकिन फिल्म की फॉर्म में सबसे पहले जब अपियर हुआ तो फासिस्ट एंड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स वाइडली यूज्ड फिल्म फॉर कम्युनिकेशन, राइट? अब ये जो मैंने आपको हिटलर की फिल्म दिखाई, हिटलर ने जब इस फिल्म को बनाया और रिलीज किया, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बाय द वे, एंड दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज शॉट विद 34 कैमरास. आप कितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करते हैं विद 34 कैमरास? जी
Do you shoot documentaries with 34 cameras? मैम बेली दो कैमराज आपकी आवाज बहुत कम है सो ट्राई कैमराज यूज होते हैं आजकल हां मोस्ट पीपल रिलाय ऑन वन कैमरा फॉर शूटिंग डॉक्यूमेंट्रीज मिनिमम वन तो हो जाएगा ना तो यहां पे राइट नाउ यू आर लुकिंग एट अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट यूज 34 कैमराज आप पूरी फिल्म को देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड के व्हाई दिस फिल्म वाज यूजिंग 34 कैमराज बिकॉज आपको तो फॉर इंस्टेंस प्लेन शूटिंग के दौरान ये आपको सिटी के ऊपर से देख रहे हैं ना एरियल शॉट्स हैं ये तो नेचुरली यू नीडेड कैमराज एवरीवेयर और अगर आप इसको बाकी प्लेन बाकी भी प्ले करेंगे तो यू वुड सी के ये शॉट्स पूरी फिल्म देखेंगे तो यू वुड रियलाइज के लेनी रिफेंस्टाल हैड डन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क फॉर शूटिंग दिस फिल्म बिल्कुल उस तो ना ही काम जैसे जितना आइजनस्टाइन ने बहुत ज्यादा काम किया था फॉर शूटिंग हिज फिल्म बैटलशिप पोटेमकिन उसी तरह लेनी रिफेंस्टाल डिड अ लॉट ऑफ वर्क और वो जर्मनी के टॉप डायरेक्टर्स में थी बिकॉज बिफोर शूटिंग दिस फिल्म उसकी कोई दो तीन फीचर फिल्म आ चुकी थी यू कैन सी के एक ऐसी फिल्म डायरेक्टर हु वॉज अ कमर्शियल फिल्म मेकर was hired for shooting Battleship Potemkin dekhe na ke fir ke commercial film se Hitler ne isko hire kar liya for producing this documentary to usne documentary ko bhi commercial film style mein shoot kiya right and she is communicating ke ji Hitler is the savior kyunki jab wo shahar pe se guzar raha hai to uska saya pure shahar ko cover kar raha hai to she converted actually Hitler into a mythological figure in this documentary ठीक है ना गॉड गॉड की तरह ऊपर से आसमानों से उतर रहा है एंड होल पब्लिक इज वेटिंग फॉर हिम इन द सिटी ये आपको सिटी शॉट्स नजर आ रहा है यू कैन सी कि ये जो ये है यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यू कैन सी कि ये आर्मी इज स्प्रेडिंग ये जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं एंड व्हाइल आर्मी इज स्प्रेडिंग पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक खड़ी हुई है एट द सेम टाइम पीपल आर लुकिंग फ्रॉम देयर विंडोज एज वेल तो बेसिकली और इस पूरी फिल्म में मैं आपसे ये कही थी कि ये इंतहाई हारमोनियस फिल्म है हारमोनी ट्रैंक्विलिटी इज द मेन फीचर ऑफ दिस फिल्म कोई दो ढाई घंटे की फिल्म है और वो दो ढाई घंटे की फिल्म आपको नॉनस्टॉप यही दिखाती है कि व्हाट पावरफुल रिलेशनशिप हिटलर हैड विद द पीपल राइट और ये के नॉट ओनली हैड अ पावरफुल रिलेशनशिप विद द पीपल बट ही हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक एज वेल ओके तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब ये फिल्म बनी तो दी ओपोनेंट्स एंड अदर्स सेड के इट्स द ग्रेटेस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स और हिटलर पे तो इल्जाम भी है यू मे हैव हर्ड ऑफ दैट इल्जाम के पीपल कॉल्ड हिम हिप्नोटिस्ट लाइक पीपल सेड के ही कुड हिप्नोटाइज पीपल राइट तो अगर हिटलर पे हिप्नोटाइज करने का इल्जाम लग रहा है एंड यू कैन सी कि उसने तो पूरी नेशन को हिप्नोटाइज किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो अगर हिप्नोटिस्ट थ्योरी को सही समझा जाए तो यू वुड से कि द फिल्म एक्चुअली शोज के हिटलर हैड हिप्नोटाइज्ड होल नेशन राइट तो बेसिकली देन यू वुड से कि हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या बुलेट थ्योरी अप्लाइज टू व्हाटएवर यू आर सीइंग इन दिस फिल्म और व्हाटएवर यू आर सीइंग इन बैटलशिप पोटेमकिन राइट तो आप कम से कम आपको ये लेनी रिफेंस्टाल की जो फिल्म जो है जिसका प्रोड्यूसर हिटलर है दिस फिल्म इज एक्चुअली टेलिंग यू कि दिस फिल्म एक्चुअली इम्प्लाइज कि इट हैड हैवी इम्पैक्ट ऑन व्यूअर्स राइट कि अगर इतनी बड़ी नेशन जो है वो हिप्नोटाइज्ड है तो द व्यूअर्स ऑफ द फिल्म विल ऑल्सो बी influenced by the content of the film. जो भी देखेगा वो समझेगा कि जी हिटलर इज अ ग्रेट लीडर एंड द होल नेशन स्टैंड बाय हिम तो यूनिसन जो है इम्पैक्ट के बुलेट की तरह द फिल्म हैड अ बुलेट लाइक इम्पैक्ट ऑन व्यूअर्स एंड व्यूअर्स वर ग्रेटली influenced by the content of the film. तो आप ये कह सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ फिल्म्स वर प्रोड्यूस्ड और थियरिस्ट जो है वो ये कह रहा है कि द फिल्म हैड बुलेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द व्यूअर और द फिल्म हैज एन हाइपोडर्मिक
हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी अप्लाइज, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि आपने किसी को ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि या तो वो पीसफुल हो गया या वो हिप्नोटाइज हो गया, राइट? सो यू आर सेइंग, आप ये कह सकते हैं कि बुलेट के लिए ये दूसरे नाम भी इस्तेमाल होते थे, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, कि आपने इंजेक्ट कर दिया सर्टेन आइडिया इन माइंड्स ऑफ पीपल एंड पीपल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज आइडियाज, ठीक है? तो फिर हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, ट्रांसमिशन बेल्ट थ्योरी, कि आपने एक ट्रांसमिशन बेल्ट क्रिएट कर दी है एंड द इफेक्ट इज मल्टीप्लाइंग एंड पासिंग ऑन, राइट? एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे से पे, तीसरे से चौथे पे, सो विच मीन्स के अ ग्रेटर साइज ऑफ पब्लिक ओपिनियन विल बी क्रिएटेड. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग थर्ड लुक, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड, कैन यू रिकॉल के थर्ड लुक क्या थी आतिफ? कैन यू रिकॉल व्हाट वाज थर्ड लुक? आतिर की आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही. आतिर, आई होप, आतिफ, आई होप के यू आर नॉट यूजिंग. हाँ, हमने फोर लुक्स डिस्कस की थी ना, तो वी वुड से कि फॉर बुलेट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ लुक, बट माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज थर्ड लुक. थोड़ा सा डाउन है. हाँ, इंटरनेट कम है. हाँ, सोसाइटी, एंड व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? जी, जिस सोसाइटी था वो सोसाइटी इज, मैंने कहा था कि थर्ड लुक इज इंटरैक्टिव, पीपल टॉक टू ईच अदर, पीपल डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर, राइट? तो जब हमने ये बात की कि थर्ड लुक इज इंटरैक्टिव, तो एक्चुअली वी सेड के, देखे ना हमने, कैन एनीवन टेल मी कि फर्स्ट लुक कहाँ से थी? आतिर, आतिर नहीं मौजूद इस वक्त. जी मैम, फर्स्ट लुक आई गेस वो थी जो जो व्यूअर देख रहा होता है. नहीं, व्यूअर तो सेकंड लुक है. क्या हो गया आपको? फर्स्ट लुक कहाँ से है? सबसे पहले तो डायरेक्टर बनाएगा ना, फिल्म मेकर जो है, लुक लुक द लुक थ्रू द कैमरा इज द फर्स्ट लुक. सॉरी मैम, कंफ्यूज हो गया था. ठीक है, फर्स्ट लुक इज थ्रू द कैमरा, क्योंकि आपने डिवाइस यूज की, कैमरा यूज किया फॉर मेकिंग अ फिल्म. तो फर्स्ट लुक इज थ्रू द कैमरा. द सेकेंड लुक इज बाय द व्यूअर व्हेन यू प्रोजेक्ट दैट फिल्म ऑन द ऑन स्क्रीन. तो सेकेंड लुक इज बाय द व्यूअर एंड थर्ड लुक इज बाय पीपल, यू नो, बाय पीपल हु आर टॉकिंग टू इच अदर. तो कलेक्टिव है. सेकेंड लुक जो है वो कलेक्टिव नहीं है, वो इंडिविजुअल की है. थर्ड लुक इज कलेक्टिव बिकॉज पीपल आर टॉकिंग टू इच अदर. ओके, ये जो ट्रांसमिशन बेल्ट थ्योरी है, ये तो थर्ड लुक टाइप चीज हो गई ना. थर्ड लुक टाइप हो गई कि पीपल आर टॉकिंग टू इच अदर और पब्लिक ओपिनियन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो कि शायान अभी कह रहा था कि बोथ पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, राइट? तो और सेकेंडली ही ऑल्सो मैंशनड के जी वर्ल्ड वॉर टू. तो वर्ल्ड वॉर टू में तो फिर हिटलर था ना. हिटलर वॉज समबडी हु वॉज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ द पीपल एंड आई सेड कि वो तो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता था कि पीपल कॉल्ड हिम हिप्नोटिस्ट, राइट? तो बेसिकली बुलेट थ्योरी एक्चुअली सेज के द फिल्म और द मीडियम वॉज यूज टू पुट आइडियाज इन माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स लाइक अ बुलेट. एक बुलेट की तरह आइडिया आपके ब्रेन में थ्रो कर दिया और इट इज इंजेक्टेड in your body. That's where comes in hypodermic needle theory, ki aapke andar ideas ko induce kar diya gaya, right? aapke andar ideas ko aapke brain mein unko itna zyada dal diya ki you can't think of anything else. So bullet theory is the name given to ma'am. My original question was a little bit different. Ji bataiye. I was asking ki matlab jis tarah bhi hum dekh rahe hain, like बुलेट थ्योरी का जो है कि जो रिसीवर है या मतलब जो आपकी ऑडियंस है, दे होली एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू देम. मे बी दैट इज प्रोपेगेंडा और या वो फैक्ट बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन जो मतलब हम आर यू सेइंग होली, आर यू सेइंग होली और आर यू सेइंग हार्डली? नहीं मैम, कंप्लीटली मतलब होली एज लेकिन इनकंप्लीट, लाइक टोटली एक्सेप्ट. ओके, सो यू आर सेइंग के जो रीडर्स हैं दे एक्सेप्ट इट टोटली. जी,
लेकिन माय क्वेश्चन वाज कि मतलब हम देख रहे कि सोशल मीडिया इज नॉट अ ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ आई वुड से इंफॉर्मेशन, लाइक इट इज आई वुड से हाइब्रिड मीडियम. तो हम देख रहे हैं कि मतलब अभी जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास दो ओपिनियंस आ रहे होते हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं या मतलब जो जो लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं, दे हैव लाइक मल्टीपल ओपिनियंस, सो द इंफॉर्मेशन इज नॉट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब बाय देम. So is it like, you know, still falling again under the bullet theory or is it? हाँ नहीं, मैंने आपकी आपकी वो बात तो मैंने उसी वक्त समझ ली थी. You were questioning कि ये bullet theory social media पे apply होगी या नहीं होगी. मैंने आपको अभी because you are present since the start, you might have noticed कि मैंने आपको bullet theory के अलावा limited effects model mention किया, right? So basically, जब हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ authors हैं, जब first सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि Severin and Tankard की ये book है, then it also says DeFlore and Ball Rockledge. यहाँ आपको नहीं ये नजर आ रहा है यहाँ पे इन दोनों authors का नाम, right? तो ये different authors जो हैं वो bullet theory एक author ने present की और दूसरे author ने उसको attack कर दिया. Right, he is trying to assess कि bullet theory ठीक भी है या गलत है. और right now, चूंकि Shayan Sunny himself is attacking the concept of bullet theory, आप इसको analyze करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि theory सही भी है कि गलत है और theory social media पे apply होती है या नहीं होती है. This is what you are asking right now. ठीक है. तो बेसिकली यू कैन सी के रिसर्चर का तो काम ही यही है कि वन रिसर्चर प्रेजेंट्स अ थ्योरी आफ्टर लुकिंग एट सर्टेन टाइप ऑफ मीडिया एंड द अदर रिसर्चर उसकी थ्योरी को चैलेंज करता है या री इवेल्युएट करता है. री इवेल्युएशन इज अ मैंडेटोरी प्रोसेस के पीपल लुक एट इट कि जी ये थियोराइज कर रहे हैं ना कि मीडिया का इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. सो देयर आर थियोरीज दैट टॉक अबाउट हैवी इफेक्ट ऑफ मीडिया एंड देयर आर थियोरीज विच टॉक अबाउट लाइट इफेक्ट ऑफ मीडिया. ठीक है. सम थियोरिस्ट बिलीव कि मीडिया हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन व्यूअर्स माइंड. अदर व्यूअर्स थिंक के जी पावरफुल इफेक्ट नहीं होता. पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चैनल्स फॉर एग्जाम्पल. तो वो कहते हैं कि जब आप बार बार अपनी मर्जी से चैनल चेंज करते रहेंगे तो यू आर एक्चुअली एंगेज इन अ सिलेक्टिव प्रोसेस. राइट. आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं विच चैनल यू शुड वॉच. यू आर योर सेल्फ डिसाइडिंग विच प्रोग्राम टू वॉच एंड यू आर योर सेल्फ डिसाइडिंग कि मुझे तो कौन सा डायरेक्टर ज्यादा पसंद है एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन रोमांटिक फिल्म एंड सम पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन क्राइम फिल्म एंड सम पीपल मे बी इंटरेस्टेड इन एक्शन जॉनरा. राइट. तो वो बेसिकली जो लाइट इफेक्ट वाले हैं जो कि बुलेट थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करते, दे रिजेक्ट द बुलेट थ्योरी. दे टॉक अबाउट लिमिटेड इफेक्ट मॉडल जो कि आपको ये नेक्स्ट पेज पे नजर आ रहा है. तो द थ्योरिस्ट हु थिंक के मीडिया का इम्पैक्ट इतना पावरफुल नहीं होता, दे टॉक अबाउट लिमिटेड इफेक्ट मॉडल्स. दे टॉक अबाउट सिलेक्टिविटी के ऑडियंस अपनी मर्जी से चैनल सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट अपनी मर्जी से चैनल सिलेक्ट करते हैं. तो दे थिंक के जी मीडिया जो है वो बुलेट लाइक इफेक्ट, इट डजंट हैव द बुलेट लाइक इफेक्ट. और देर आर अदर ऑथर्स हु थिंक कि हु स्टिल बिलीव कि मीडिया हैज अ बुलेट लाइक इफेक्ट. मैंने आपसे ये कहा था कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर बाय Severin एंड Tankard इज एक्चुअली लुकिंग एट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट थियरीज. राइट. तो अभी तो आपने सिर्फ दो के नाम देखे, बुलेट थ्योरी जो कि इफेक्ट थ्योरी है, जिसकी ऑपोजिशन है लिमिटेड इफेक्ट मॉडल जिसमें ऑथर से कि नहीं मीडिया डज नॉट हैव अ पावरफुल इफेक्ट बिकॉज पीपल सिलेक्ट चैनल्स, दे सिलेक्ट कंटेंट दे वांट टू व्यू. ठीक है. इससे जब आप फर्दर आगे जाते हैं तो यू वुड ऑल्सो कम अक्रॉस फॉर इंस्टेंस ये आपको यहाँ पे कह रहा है द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक एक्सपीरियंस. राइट. ये भी इफेक्ट थ्योरी है, सिंथेटिक एक्सपीरियंस. ओके. तो यू कैन सी के जो इफेक्ट थ्योरी है और फिर स्पाइरल ऑफ साइलेंस भी इज अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट थ्योरी. एंड यू मस्ट नो कि अगर एक ऑथर ने ये पहली वाली थ्योरी डेवलप की थी तो उसके बाद बहुत सारे और ऑथर्स आए हु डेवलप्ड द अदर थ्योरीज अबाउट द इफेक्ट ऑफ मीडिया.
राइट right? जब आप ये क्योंकि लिमिटेड इफेक्ट ने तो इसको रिजेक्ट किया बुलेट थ्योरी को, एंड देन कम्स इन न्यूमैन जिसने ऑफर की स्पाइरल ऑफ साइलेंस, और जैसे ही उसने स्पाइरल ऑफ साइलेंस ऑफर की तो उसने बुलेट थ्योरी को रिवाइव कर दिया, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ने बुलेट थ्योरी को अटैक किया तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ शायद इतना पावरफुल इफेक्ट नहीं होता, इट डज नॉट लीव अ बुलेट लाइक इम्पैक्ट ऑन पीपल्स और व्यूअर्स माइंड्स, व्यूअर्स कैन चूज व्हाट टू वॉच, राइट? तो लिमिटेड इफेक्ट पे जब शिफ्ट हुए तो न्यूमैन ने फिर स्पाइरल ऑफ साइलेंस दे दी, एंड समबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हेजेमनी. हेजेमनी इज अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट्स थ्योरी. जो आप इस पे फर्दर चलते जाएं आपको ये भी स्पाइरल ऑफ साइलेंस ये नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं ना स्पाइरल ऑफ साइलेंस की, तो उसने डायग्राम भी बना दी कि हाउ दिस स्पाइरल वर्क्स. तो उसके आगे ये अगले पेज पे मीडिया हेजेमनी का आ गया, यू नो कि कॉन्टेंट सिलेक्शन जो है वो एलीट करता है, राइट? तो एलीट डिसाइड्स व्हाट टू शो, कि हम टीवी डिसाइड्स इटसेल्फ कि हमें किस टॉपिक पे, फॉर इंस्टेंस ड्रामास बनाने सेक्सुअल हरासमेंट ज्यादा दिखानी है, तो दैट टाइप ऑफ कंटेंट और जो है विल हैव अ सर्टेन इफेक्ट ऑन व्यूअर्स माइंड, राइट? व्यूअर्स माइंड्स. और उसके बाद जो है यहाँ पे हेजेमनी है कि एलीट की हेजेमनी, बिकॉज एलीट को लगता है कि जी सेक्सुअल इश्यूज पे फॉर इंस्टेंस दिस इज द वे यू शुड थिंक अबाउट देम, राइट? कि मैंने आपसे कहा कि हम टीवी के बेशुमार ड्रामों में तो आपको सर्टन एनजीओस के नाम भी नजर आ रहे होते हैं, राइट? हम टीवी प्ले विल टॉक अबाउट सर्टन एनजीओ एंड से के जी इस एनजीओ ने फॉर इंस्टेंस दिस पर्टिकुलर एनजीओ कश्यप फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सोइंग मशीन्स अमंग विमेन टू एम्पावर विमेन, राइट? ये इसका ड्रामा था समीना पीरजादा और नुमान एजाज का, जिसमें चाइल्ड मैरिजेस वाज द की टॉपिक, एंड नुमान एजाज अपीयर्ड एज अ कल्प्रिट जो कि एक 8-10 साल की बच्ची से शादी कर लेता है, एंड बाय द टाइम शी इज 16 इयर्स ओल्ड शी हैज परहैप्स 3 चिल्ड्रन फ्रॉम नुमान एजाज. तो बाद में नुमान एजाज एंड्स अप इन जेल और समीना पीरजादा एंड नुमान एजाज फर्स्ट वाइफ एंड चाइल्ड वाइफ जो है दे गेट सोइंग मशीन्स फ्रॉम कश्यप फाउंडेशन. तो नुमान एजाज के बाद उन्हें घर तो चलाना होता है ना, सो घर चलाने के लिए दीज थ्री वेमेन स्टार्ट स्टिचिंग और एम्पावर हो जाती हैं और फिर गांव की काफी सारी औरतों को अपने साथ मिला लेती हैं फॉर सोइंग एंड स्टिचिंग, एंड कश्यप फाउंडेशन गिव्स सोइंग मशीन्स टू ऑल ऑफ देम. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइल्ड मैरिज के अलावा वेमेन एम्पावरमेंट इशू कर रहा था दिस पर्टिकुलर प्ले. आई एम सॉरी आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द प्ले. ये प्ले कोई 2-3 साल पहले आया था ऑन हम टीवी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अगर एलीट है ना, एनजीओ हर किसी के बस की बात नहीं है और एनजीओ में अक्सर फॉरेन फंडिंग होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम टीवी वाज शोइंग सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट व्हिच हैड इंपैक्ट ऑन व्यूअर्स माइंड. और इस साल जो इसने माहीन इमरान का जो थीसिस था, आई सेड कि वो थीसिस सेक्सुअल हरासमेंट इन हम एंड एआरवाई टीवी प्लेज की वो बात कर रही थी. और फॉर इंस्टेंस ये जो प्ले था मेरे पास तुम हो, इसमें वी वर लुकिंग एट अ वुमन जो कि बहुत ज्यादा लिबरल थी, राइट? शी वॉज मैरिड बट शी एंड्स अप इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद हर बॉस, और फिर हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के बॉस के साथ रहना शुरू कर देती है. तो एंड यू कैन से के आजकल आपने अगर देखा है तो मेनी न्यूज़पेपर्स आर एक्चुअली सेइंग के टीवी प्लेस जो हैं उन्होंने लोगों को या औरतों को या बच्चियों को सिवाय इस चीज के दे शुड बी स्लीपिंग विद पीपल विदाउट मैरिटल रिलेशनशिप कुछ नहीं दिया, राइट? सो यू कैन से के हेजेमनी का कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है कि मीडिया इज ट्राइंग टू गिव यू सर्टेन टाइप ऑफ बिलीफ्स और मीडिया इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर बिलीफ्स इन योर ओन नॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल के जो मैंने अभी मेंशन किया कि मेरे पास तुम हो
it was probably one of the most popular plays of 2019. So you can say is had tak tha ke jis din last episode aaya next day aapki beshumar memes chal rahi thi that actually said ke ji even Donald Trump jo hai usne call kiya Imran Khan ko दानिश की मौत पे सिंपथाइज करने के लिए या कंडोलेंसेस देने के लिए राइट तो यू कैन अंडरस्टैंड के सर्टेन टाइप ऑफ और प्ले पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा था कि दिस प्ले इज एम्फसाइजिंग विमेन एम्पावरमेंट इन फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी कि जी औरतों को इतना ही लिबरल होना चाहिए और अगर उसको खलीलुर रहमान कमर वॉज द ऑथर एंड नदीम बेग वॉज द फिल्म वॉज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो मैंने आपसे कहा था कि हम ऑथर की का नाम नहीं लेते व्हेन वी आर राइटिंग दिस प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कॉन्टेंट ऑफ ऑफ द प्रोडक्शन राइट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम नाम तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दोनों का देते हैं बट वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर की दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट ही प्रोड्यूस्ड ओके सो यू कैन सी कि दिस चैप्टर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वेरियस थेरीज एंड ऑल ऑफ दिस थेरीज आर इफेक्ट थेरीज इन थेरीज में इफेक्ट्स पे डिस्कशन हो रही है एंड सम ऑफ द ऑथर थिंक्स कि इफेक्ट्स आर हैवी एंड परमानेंट एंड सम ऑथर्स थिंक कि इफेक्ट्स आर लिमिटेड एंड viewers select what to watch so which means ke jab bullet theory aayi bullet was talking about hypodermic needle type of impact ki aapne to ideas jo hain ya new norms people ke viewer ke brain mein inject kar diye so this theory was talking about a powerful effect of film jo ke world war mein Leni Riefenstahl और वर्ल्ड वॉर वन के बाद बैटलशिप पोटेमकिन में आपको आइजनस्टाइन के काम में नजर आ रहा है कि लेनी रिफेनस्टाहल इन पर्टिकुलर बिकॉज दिस फिल्म वाज ब्लेम्ड के जिस किस्म का यूनिसन दिखाया गया है आप यू इट इज सरप्राइजिंग के आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एज हिटलर डिसअपीयर्स दिस पावरफुल relationship between the sovereign and people becomes a story of war crime ठीक है आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में जो नजर आ रहा है इसमें पब्लिक डज नॉट थिंक कि हिटलर इज कमिटिंग अ क्राइम और पब्लिक डज नॉट थिंक दैट दे आर कमिटिंग अ क्राइम दैट्स व्हाई दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिटलर इन दिस पर्टिकुलर फिल्म तो आपको जो यूनिसन नजर आया है और हिटलर जो है वो सारी दुनिया को बता रहा है कि पब्लिक मेरे साथ है माई पीपल आर विद मी और ट्रीटी ऑफ वर्साइलस की जो भी शेम जो जर्मन नेशन ने बर्दाश्त की थी वो वर्ल्ड वॉर टू के जरिए उस शेम से रिकवर करेंगे एंड दे वर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ ग्लोरियस फ्यूचर यहाँ पे जितना यूनिसन नजर आ रहा है दे आर वेटिंग फॉर ग्लोरी ठीक है और एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दिस नाउ अगर आप जर्मन नेशन से बात करेंगे तो जो कि जर्मन वॉज पार्ट ऑफ एक्सिस पावर्स और एलाइड जो थे वो इनके अगेंस्ट थे एलाइड वुड से कि दिस इज क्राइम और यू नो लाइक ब्लैक हिस्ट्री ऑफ जर्मन नेशन राइट सो यू कैन यू हैव टू लुक एट कॉन्टेंट के इस कॉन्टेंट के पीछे है कौन क्योंकि ब्रिटिश वुड कॉल इट ब्लैक हिस्ट्री ऑफ जर्मन नेशन I don't know if Germans would call it black history, their black history as well. Okay, so basically, आप यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि there was a fear that a Hitler-style demagogue could rise to power in the United States. उन्होंने कहा कि कहीं अमेरिका में भी कोई इसी तरह का बंदा पावर में ना आ जाए through the force of mass communication. And I like this comment interesting because aapko beshumar films ye dikhayengi ke people were migrating from Germany to USA during World War and after World War II theek hai to
ये फीलिंग के जी हिटलर जैसा डेमेगॉग जो है वो यूएस में भी ना आ जाए इस पार्ट ऑफ इट, राइट? क्योंकि दिस फिल्म इज एक्चुअली शोइंग द डेमेगॉग. डेमेगॉग एक्चुअली आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इट ओनली मीन्स के जो आपका सॉवरन है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि पीपल सॉवरन कैन यूज आइडियोलॉजीज ऑफ पीपल. कि अगर लोग अगर जर्मन नेशन बिलीव करती है कि ज्यूज शुड बी पनिश्ड, तो हिटलर इज यूजिंग दोज आइडियाज फॉर हिज बेनिफिट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. यू कैन अंडरस्टैंड कि ज्यूज के साथ वट एवर हैपन्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, तो वो हिटलर के डेमेगॉग का हिस्सा है ना, उसकी पावर है कि पब्लिक जिस चीज में बिलीव करती है या पब्लिक के इमोशन जिस चीज से अटैच्ड है, हिटलर इज यूजिंग ऑल ऑफ इट. उसको वो हिप्नोटिक इफेक्ट के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा है. ओके, तो वो आगे उसने लिखा द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस वाज क्रिएटेड इन रिस्पांस टू दिस फियर. कहाँ पे? आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस, बिकॉज दे डू बिलीव के ट्रायंफ ऑफ द विल is a propaganda film and it is the greatest propaganda film classic of all times. Ji, any other comment? Ma'am, I have a question. Ji, ji, bataiye. Ye sari theory turn by turn dusre paper aayi thi na, matlab pehle bullet theory aayi thi, pehle limited effect aayi thi, aur ye is theory pe further aage theories pe develop hoti chali gayi thi. हाँ, क्योंकि बहुत सारी न्यू थेरीज आई, फिर एक थेरी पे जब मतलब बुलेट थेरी के अगेंस्ट जब लिमिटेड इफेक्ट थेरी आई, तो नेचुरली समबडी री थॉट अबाउट इट, यू नो, लाइक किसी ने कहा कि जी सिलेक्टिव प्रोसेस है. तो उसके बाद जब बुलेट थेरी वीक होना शुरू हो गई, तो समबडी केम अप विद स्पाइरल ऑफ साइलेंस. तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस तो बिल्कुल उसी तरह के इफेक्ट की बात कर रही है जो बुलेट इफेक्ट है, एक काइंड ऑफ, यू नो. लेकिन वो स्पाइरल ऑफ साइंस एग्जैक्टली बुलेट भी नहीं है. स्पाइरल ऑफ साइलेंस एग्जैक्टली बुलेट नहीं है, लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट हैवी इफेक्ट्स ऑफ मीडिया. बुलेट जो है दैट वाज आल्सो फोकसिंग ऑन हैवी इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, जबकि लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी जो है वो तो लिमिटेड इफेक्ट्स की बात कर रही है, राइट? जबकि बोथ बुलेट एंड स्पाइरल ऑफ साइलेंस आर टॉकिंग अबाउट हैवी इफेक्ट्स ऑफ मीडिया. बुलेट थ्योरी तो कह रही है कि बस इसी तरह बुलेट की तरह आपके दिमाग में घुस गया या हाइपोडर्मिक नीडल की तरह आपने इंजेक्ट कर दिया, राइट? स्पाइरल ऑफ साइलेंस एक्चुअली टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ व्यूइंग समथिंग, यू नो. क्योंकि ये तो बुलेट की बात कर रहा है ना कि देखते ही इन्फ्लुएंस हो गए, राइट? बुलेट लाइक इफेक्ट. बुलेट जो है वो इंस्टेंटली आपकी बॉडी में घुस जाती है. हाइपोडर्मिक नीडल जो है वो भी इंस्टेंटली इट फीड समथिंग इन योर माइंड, राइट? ट्रांसमिशन बेल्ट थ्योरी के आपने जो मैंने आपसे कहा कि थर्ड लुक जो थी वो दैट वाज टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन व्यूअर्स, टू व्यूअर्स और इंटरेक्शन अमंग any number of viewers and transmission of ideas from one to another person. तो जिसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा impact create हो रहा है on more and more people, right? तो basically आप ये कहें कि medium से people were scared of the medium, right? कि आप communication medium, पहले तो आपको जब तक इस किस्म के medium नहीं थे आपको one to one communication करनी पड़ती थी. उसके बाद प्रिंट मीडिया आ गया, तो यू वी कुड से के जो लोग सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, दे कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज. यू कुड रिमेंबर के किसी जमाने में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में भी होती थी, दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लिटरेचर, राइट? कि प्रिंट फॉर्म में तो लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, एंड रीडर्स कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ लिटरेचर. और फिर जब फिल्म आई तो फियर आया बुलेट थ्योरी का, बिकॉज फिल्म्स आ ही उन टॉपिक्स पे रही थी. फॉर इंस्टेंस ट्रायंफ ऑफ द विल जो है वो एक सर्टन वॉर टॉपिक है. उसी तरह आइजनस्टाइन की जो है बैटलशिप पोटेमकिन या अक्टूबर या डिफरेंट फिल्म्स. तो बेसिकली आप ये कह रही हैं, कह सकते हैं कि फासिस्ट एंड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स जो है दे वर यूजिंग फिल्म to heavily influence people, or they were using film for propaganda in the early part of the 20th century.
अच्छा, तो आजकल जो लेटेस्ट है मैम, वो हम किसको कर सकते हैं टारगेट के? जैसे अब हमारे पास एक सिर्फ मीडियम सोशल मीडिया ही है जिस पे फॉरेन से पहले इम्पैक्ट होता है, तो अब हम आप जैसे उसको बुलेट थ्योरी आप बहुत पहले खत्म हो चुकी है ना, डिसअपियर हो चुकी है मेरा ख्याल, बुलेट नहीं थ्योरी नहीं कोई बिल्कुल अच्छा बिल्कुल नहीं डिसअपियर हुई, डिसअपियर नहीं भी है? हुई। आप उसको सिर्फ थेरीज को की असेसमेंट करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपडेट जब होती रहती है। आप उसको रीअसेस करते हैं कि भाई अभी बुलेट लाइक या इतना स्ट्रांग इफेक्ट है कि नहीं है, राइट? आई सेड राइट। के देखे ना, और फिर ओपिनियन डिवाइडेड भी हो सकती है ना, ओपिनियन डिवाइडेड हो सकती है, जस्ट लाइक सम पीपल सपोर्ट पीटीआई, सम पीपल सपोर्ट पीपल्स पार्टी एंड सम अदर सपोर्ट मुस्लिम लीग, राइट? एंड देर आर ऑल्सो सपोर्टर्स फॉर जमात एक्सेट्रा, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड के जो थेरीज आ रही हैं अबाउट मीडिया इफेक्ट्स, उसमें भी तो डिवाइडेड ओपिनियन ऑफ थेरिस्ट इज पॉसिबल। सम थेरिस्ट थिंक के जी मीडिया हैज स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हैवी व्यूअर्स माइंड, एंड सम व्यूअर्स थिंक कि मीडिया का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज पीपल आर सिलेक्टिव, पीपल डिसाइड व्हाट टू वॉच एंड पीपल डिसाइड व्हाट नॉट टू वॉच। तो बेसिकली यू कैन स्टिल से कि पीपल के थेरिस्ट जो हैं, जो एनालाइज ही करते हैं ना, थेरिस्ट एनालाइज करते हैं, दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर, फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि आपके घर में, फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज अ चाइल्ड, उसको लगता है कि जी जेरी ने टॉम को गोली मार दी, राइट? एंड चाइल्ड प्रोबेबली टॉक्स अबाउट दिस इशू वेरी एक्साइटेडली। तो यू कैन से कि जेरी इज इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड्स माइंड इन अ वे कि जी इसी तरह करना चाहिए विद, यू शुड ट्रीट पीपल लाइक टॉम इन अ सिमिलर फैशन, कि जो बुरा है उसकी आपको पिटाई करनी है, या जो भी आपका ओपोनेंट है उसके साथ आपने क्या सलूक करना है। जेरी इज फॉर एवर मेकिंग ग्रेव्स फॉर टॉम, एंड जेरी इज फॉर एवर अटैकिंग टॉम विद सम काइंड ऑफ बॉम्ब और समथिंग एल्स, राइट? तो जेरी तो टॉम एंड जेरी में तो आपको बहुत ज्यादा वो चीजें नजर आएंगी। सो समबडी वुड से कि इफ चिल्ड्रन आर वाचिंग सो मच वायलेंस, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड एंड दे वुड थिंक कि वायलेंस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय पीपल लाइक टॉम, राइट? तो वो ये कहते हैं कि जी बच्चों के ऊपर इसका बड़ा बुलेट लाइट लाइक इफेक्ट होगा। चिल्ड्रन वुड थिंक कि जी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसी तरह की होनी चाहिए। या फिर अगर आपने डोरेमोन कार्टून्स देखे हैं तो यू वुड से कि जी बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएंगे। दे वुड थिंक के दे शुड हैव समवन लाइक डोरेमोन इन देयर लाइफ, जो कि उनको तरह तरह के गैजेट्स प्रोवाइड करता रहे, एंड दे कैन फ्लाई इन द एयर, एंड दे कैन ट्रेवल टू प्लेसेस, दे कैन गो एनी वेयर, और दे कैन फाइट पीपल लाइक जो कि डोरेमोन के बाकी कैरेक्टर्स है ना, एक कैरेक्टर नोबिता है, तो दूसरा कैरेक्टर्स के, आई एम सॉरी आई कांट रिकॉल नेम्स ऑफ ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट यू कैन से के नोबिता इज डिपेंडेंट ऑन डोरेमोन एंड नोबिता लाइक शिजुका। तो बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ तो जो एक बजाहिर वीक कैरेक्टर है नोबिता, उसके साथ इतनी बड़ी सपोर्ट है डोरेमोन, हु सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम फॉर नोबिता, और जियान जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसके अंदर, बॉडीली स्ट्रॉन्ग पावरफुल, वो ही फेल्स व्हेन ही फाइट्स और व्हेन ही अटैक्स नोबिता इन वेरियस केसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि बुलेट थ्योरी एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, दैट इट हैज मीडिया और फिल्म, दैट इट हैज ऑन माइंड ऑफ पीपल। ओके, सो दे से जो मैंने अभी आपसे हैवी एंड लाइट व्यूअर्स की बात की, यू हैव टू लिंक इट टू पैसिविटी एंड एक्टिविटी, क्योंकि लिमिटेड इफेक्ट वाला ये कहेगा कि व्यूअर्स पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिव हैं, राइट? दे एक्टिवली डिसाइड इफ दे शुड बी सिलेक्टिव फॉर इफ दे शुड बी सिलेक्टिव विच फिल्म टू वॉच, एंड इफ दे शुड बी सिलेक्टिव विच चैनल टू वॉच, राइट? न्यूज चैनल देखना है या हम टीवी का ड्रामा देखना है, व्यूअर डिसाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ,
ओके तो वो क्या ये लिमिटेड इफेक्ट वाले कहते हैं कि व्यूअर पैसिव नहीं है, लेकिन जो बुलेट इफेक्ट वाला है वो कहता है कि नहीं व्यूअर पैसिव है एंड व्यूअर्स माइंड कैन बी मैनिपुलेटेड। आप ये देख रहे हैं ना कि जी ये ऊपर लिखा है उसने यहाँ पे पैसिविटी एंड इमोशनलिज्म। आपको अगर 60s की पाकिस्तानी फिल्म दिखा रही है कि लड़कियां आई कांटेक्ट नहीं करती, तो एक्चुअली 60s फिल्म्स वर एक्चुअली ट्राइंग टू सपोर्ट सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग कि लड़कियों को आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, यू नो स्पेशली विद द मेल, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स के बिकॉज देन यू आर सेइंग के द गर्ल इज पैसिव। वो आपने जो विजुअल प्लेजर की थ्योरी देखी थी, वी वर टॉकिंग नॉन स्टॉप अबाउट वुमन्स पैसिविटी कि उसको ये ट्रेन कर दिया कि आई कांटेक्ट नहीं करना, तो वो पैसिवली इस बात को मान लेगी, शी कैन नॉट एक्टिवली डिसाइड द हेल विद यू, राइट, क्यों नहीं करूं मैं आई कांटेक्ट, व्हाई शुड आई डू इट। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट के जी मैं क्यों ना, व्हाई शुड आई मेक एन आई कांटेक्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्टिवली मेड डिसीजन, राइट। कि समबडी इफ सम वुमन इज ट्रेन्ड कि आपने आई कॉन्टेक्ट नहीं करना एंड अगेंस्ट दैट ट्रेनिंग शी डिसाइड्स the hell with it, I'm going to make an eye contact. तो वो active decision है, वो तो passivity से she is walking out, right? तो आपसे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ it's not just about propaganda, it's about a number of other norms and beliefs that which can be communicated via TV. You know कि हमने पहले भी बात की कि नेफडेक जब हुआ करता था तो नेफडेक में जो लोग बैठे होते थे दे यूज टू आस्क प्रोड्यूसर्स पंजाबी फिल्म ना बनाओ जी उर्दू फिल्म बनाओ, राइट। एंड वी कैन सी कि उर्दू फिल्म जो है वो किस किस्म के नॉर्म्स पास ऑन कर रही थी, राइट, किस किस्म की आइडियोलॉजी पास ऑन कर रही थी, लाइक दिस इज आवर कल्चर, दिस इज हाउ वी शुड बी, राइट। तो जिसको हम कहते हैं कि जो आपका नेशनल सिनेमा होता है वो आपको मोनोलिथिक आइडियाज दे रहा होता है, राइट, मोनोलिथिक, एक सिंगल ट्रैक चल रहा होता है, ठीक है, सिंगल ट्रैक चल रहा होता है। नेशनल सिनेमा कहता है औरतों को इस तरह नजर आना चाहिए, नेशनल सिनेमा कहता है कि आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी में बिलीव करना चाहिए, राइट। और जब आप मोनोलिथिक को ब्रेक किस तरह करते हैं कि इफ यू हैव फॉर इंस्टेंस हॉलीवुड फिल्म्स इन पाकिस्तान और इन पाकिस्तानी सिनेमाज, तो देन यू आर वॉचिंग समथिंग विच इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड फिल्म दिखाएगी कि जी लड़की तो लड़की और लड़का तो इकट्ठा फिर रहे हैं, और नेशनल फिल्म दिखा रही है सेपरेशन बिटवीन द टू कि आप जरा एक दूसरे से दूर रहें, ओके। और जो हॉलीवुड फिल्म है पाकिस्तानी सिनेमा में वो ये नहीं कह रही कि आप एक दूसरे से दूर रहें, इट्स शोइंग देम टुगेदर, ओके। सो बेसिकली उसको फिर आप उसको रीअसेस करेंगे ना कि जब आपके आपने कंटेंट में आप देखें पिछले कई सालों से यू हैव बीन वॉचिंग कि एवरी अदर ईयर पाकिस्तान गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू कर देती है कि आप स्टार के चैनल्स नहीं देख सकते। वी ऑल नो कि पिछले 2-3 सालों से मुकम्मल बैन है बिकॉज पाकिस्तानी चैनल्स को कोई देख नहीं रहा था, राइट। और जब इंडियन कंटेंट पे पाकिस्तान के अंदर बैन लगा दिया तो पीपल स्टार्टेड वॉचिंग हम एंड ARY एंड जो और एनी अदर टीवीज कंटेंट, ओके। तो बेसिकली आप लोगों के व्यू को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यू आर ट्राइंग कि नहीं ये हमारा कंटेंट नहीं है, आप इनको इंडियन सोप्स मत देखने दें, ओके। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी क्योंकि टीवी तो हर घर में है, कंप्यूटर हर किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है तो वेरी फ्यू पीपल वुड हैव अ पर्सनल कंप्यूटर और समथिंग पर्सनल जिसपे दे कैन वॉच द कंटेंट ऑफ देयर चॉइस। और फिर आप अगर YouTube पे देख रहे होंगे इंडियन कंटेंट तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले डिवाइस की कॉस्ट पे करने पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन की कॉस्ट पे करने पड़ेगी, फिर कनेक्टिविटी का इशू होगा इफ यू कैन वॉच फॉरेन कंटेंट। लेकिन लोकल कंटेंट तो टेरेस्ट्रियल भी है थ्रू आउट पाकिस्तान, ओके।
तो आप उसको व्यूअर को एक सर्टन, जिस तरह घोड़े की आंखों पे आप वो लगा देते हैं ना कि सिर्फ सामने देख के चले, घोड़े और गधे की आंख पे लगा देते हैं, तो यू आर एक्चुअली ट्रीटिंग योर पब्लिक एज घोड़ा एंड गधा, कि बस आपने ये कंटेंट देखना है जो हम ARY देख रहा है. तो वो एक्टिव यूजर को तो आपने ब्लॉक करने की कोशिश की, यू आर नॉट अलाउइंग योर एक्टिव यूजर टू सी, टू सिलेक्ट ऑल काइंड ऑफ कंटेंट. आपने उसकी सिलेक्शन को लिमिटाइज कर दिया ना, कि आप सब चीजें नहीं देख सकते, बस आप इसमें से देखते हैं. आपकी सिलेक्टिविटी इज लॉक्ड इनसाइड दिस ब्लॉक. आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? जी. चले, अगर समझ में आ गया तो बताएं क्या कहा. मैम एक और भी क्वेश्चन में ये भी आ रहा था कि अब आवाज थोड़ी सी कम है, आवाज थोड़ी सी कम है अब तो जी. अच्छा, मैं मेरे जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जब ये मीडियम्स नहीं होते थे, जब हमारे पास चॉइस ही नहीं होती थी, जैसे कि आप बता रही हैं कि एक टाइम पे ऐसे है कि हम दिखा, लोगों के पास ऑप्शन ही सिर्फ सिनेमा की है लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है, और वहां पे कंटेंट ऐसा शेयर किया जा रहा है कि आप फोर्सफुली देख ही वही सकते हैं और मैसेज भी आपको वही कमी हो रहा है, वहां पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है? नहीं, थेरीज एप्लीकेशन का तो ये है कि जब आपका व्यूअर, फॉर इंस्टेंस देखे ना, हम तो एकेडेमिक्स के लोग हैं, राइट? तो एकेडेमिक का जो बंदा है वो उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि लोग हिटलर की फिल्म देख के निकले एंड दे थॉट के जी यस, हिटलर इज लाइट, हिटलर इज राइट, पब्लिक इज टुगेदर, यूनिसन क्रिएट हो गया. तो जो थेरिस्ट दूर से खड़ा देख रहा था या जो स्कॉलर देख रहा था, उसको ये लगा कि दिस फिल्म हैड अ बुलेट लाइक इफेक्ट और बुलेट लाइक इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द व्यूअर, ठीक है. और उसके मुकाबले में आप ये देख रहे हैं ना कि ये मुख्तलिफ लोग हैं, वो ये कह, वो यहाँ पे भी कॉलिन ब्लैकमोर और फिर दूसरे उसने लिखा हुआ है कि आर आर ब्रेन्स नॉट ऑलरेडी मोर टोटली डिसिप्लिंड. आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक इंडेंटेड पैराग्राफ लिखा हुआ है इस जगह पे, और दिस इंडेंटेड पैराग्राफ इज सेइंग आर आर ब्रेन्स नॉट ऑलरेडी मोर टोटली डिसिप्लिंड. देखिए, हम जब व्हेन वी आर बॉर्न, तो हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? और हमारी फैमिलीज होती हैं, आर फैमिलीज बिलीव इन सर्टन थिंग्स, देन वी हैव आर सराउंडिंग्स, जिसमें वी हैव आर नेबर्स एंड वी हैव पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले फैमिली, देन योर नेबरहुड एंड देन योर सिटी एंड देन योर होल सोसाइटी, जो हैं वो आपके ब्रेन को एक सर्टन काइंड ऑफ नॉर्म्स दे देते हैं, सर्टन काइंड ऑफ बिलीव्स दे देते हैं, राइट? तो वो ये यहाँ पे ये जो अटैक कर रहा है, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है, कॉलिन ब्लैकमोर सिंपली ये कह रहा है कि हमारे ब्रेन्स तो पहले ही डिसिप्लिन्ड होते हैं कि मैं अगर पेशावर से हूँ तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, और अगर मैं लाहौर या कराची से हूँ तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, और अगर मैं लंदन से हूँ तो मेरा ब्रेन किसी और तरीके से सोचेगा, राइट? वो ये कह रहा है कि ब्रेन्स आर ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, और जो डिसिप्लिन होता है वो सिर्फ नॉर्म्स के बारे में नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकल ओपिनियंस भी तो हो सकती है ना. मेरी फैमिली अगर, इफ माय फैमिली हैज बीन वोटिंग फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी फॉर ऑल दीज इयर्स और फॉर ऑल दीज डेकेड्स, तो मेरा एक सॉफ्ट वो हो सकता है, यू नो, सॉफ्ट ओपिनियन हो सकती है रिगार्डिंग पीपल्स पार्टी, राइट? और अगर मुझे लगता है कि पिछले डेकेड में जो बच्चे इमरान खान के लिए चंदा इकट्ठा करते हुए बड़े हुए थे ड्यूरिंग ऑल दिस इयर्स, तो देन आई वुड से के दीस वर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग, के पहले तो वो शौकत खानम के लिए 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा करते थे, उस वक्त उनकी एजेस थी 10 साल और 12 साल, राइट? आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में, केपी में, तो वो उसने एक बयान दिया था कि जी मेरा वोटर अभी बड़ा हो रहा है, राइट? उसने कहा जी मेरा वोटर अभी बच्चा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो बच्चे थे इवेंचुअली बड़े हो गए ना, फिर जब ये बच्चों ने वोट किया इमरान खान के लिए, तो बच्चों ने अपनी पूरी फैमिली से वोट करवाया फॉर इमरान खान,
ओके तो वो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो वो ग्रोइंग इफेक्ट है, वो स्पाइरल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली वहां पे आता है कि एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप एक चीज को बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो अगर बुलेट लाइक इफेक्ट नहीं भी था और जो कि लिमिटेड इफेक्ट भी था, जिसको ये इसने यहाँ पे, जो ऑथर्स ने यहाँ लिमिटेड इफेक्ट की बात की थी कि व्यूअर एक्टिव यूजर है, व्यूअर खुद डिसाइड करता है कि उसने क्या देखना है या नहीं देखना. तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस वाले ने तो सिंपली यही कह दिया कि अगर आप बार 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 एक ही चीज को देखते रहेंगे, तो अगर बुलेट लाइट इफेक्ट नहीं भी था तो इतने लंबे अरसे तक बार बार देखने की वजह से दैट थिंग गेट स्टोर्ड इन योर माइंड. ठीक है, तो जिस चीज से आप बार बार एक्सपोज होते रहेंगे वो भी आपको चेंज कर सकती है. तो स्पाइरल का एक्चुअली एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं है. स्पाइरल एक्चुअली मीन्स के जब हम देखते हैं कि ज्यादा लोग एक तरह की ओपिनियन दे रहे होते हैं और हमारी ओपिनियन उस सिंगल ओपिनियन से, मेजोरिटी की ओपिनियन से डिफरेंट है या डोमिनेंट ओपिनियन से डिफरेंट है, तो समटाइम्स वी चूज टू कीप क्वाइट. ऐसा होता है ना कि 10 लोग एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो 11वां जो है वो अपनी ओपिनियन बताते ही नहीं. उसकी ओपिनियन फर्क हो सकती है बट ही डज नॉट मेंशन हिज ओपिनियन बिकॉज उसको ये लगता है कि फायदा कोई नहीं है, मोस्ट पीपल बिलीव इन दिस. तो वो अपनी जो सिंगुलर डिफरेंट ओपिनियन होती है उसका जिक्र नहीं करता. तो जो न्यूमन है वो एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट दैट डिफरेंट ओपिनियन जिसको कोई बंदा एक्सप्रेस नहीं करता. तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज अबाउट दैट पार्ट कि जब लोग अपनी डिफरेंट ओपिनियन का जिक्र नहीं करते. राइट, स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज अबाउट कीपिंग क्वाइट, रिमेनिंग साइलेंट बिकॉज आपको लगता है कि डोमिनेंट ओपिनियन इज दिस. अगर आपको लग रहा है कि मेरे दाएं बाएं सारे लोग जो हैं वो लोग हैं, फॉर इंस्टेंस जब ज़ियाउलहक का पीरियड था और ज़ियाउलहक ने इस्लामाइजेशन को यूज किया एज टूल to build his political support, right? ज़ियाउलहक ने इस्लाम को यूज किया था ना एज अ टूल के वो अपनी पोलिटिकल सपोर्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि भुट्टो की पोलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा थी क्योंकि भुट्टो आया था विद रोटी कपड़ा एंड मकान. ठीक है, तो भुट्टो की जो स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल सपोर्ट थी उसको ब्रेक करना आसान नहीं था, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए आपको एक पॉइंट, वीक पॉइंट ढूंढना होता है ना कि इस पत्थर में मैं कहां से मारूंगा तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. तो ही यूज्ड इस्लाम एज अ टूल टू क्रिएट न्यू ओपिनियन. तो बेसिकली आप उसको फिर सिंपली यही कहेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान की क्रिएशन ही इस्लाम के नाम पे है. राइट, सो बेसिकली पब्लिक सपोर्ट इस्लाम के नाम पे ज़ियाउलहक को मिली थी एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम. अब 12-12 साल के, 10-10 साल के बच्चे अगर क्लासरूम में लड़ना शुरू कर दें कि ज़ियाउलहक जो है वो अच्छी बात कर रहा है बिकॉज ही इज अ ट्रू मुस्लिम एंड ही इज फोकसिंग ऑन इस्लामाइजेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड के परहैप्स दैट हैड अ बुलेट लाइक इम्पैक्ट ऑन पीपल्स माइंड्स. ठीक है, क्योंकि ज़ियाउलहक के देर आर पीपल जो के बात करते हैं कि जी ज़ियाउलहक ने आर्टिस्ट को नहीं परफॉर्म करने दिया, ज़ियाउलहक ने अनाउंसर्स पे और न्यूज एंकर्स को फोर्स किया कि वो अपने सर पे दुपट्टा लेके खबरनामा पढ़ें. राइट, या दुपट्टा सर पे लेके प्रोग्राम को एंकर करें. तो यू कैन से कि ये जो वीक, जो मैं आपसे बात करी थी कि डोमिनेंट ओपिनियन के अगेंस्ट जो वीकर ओपिनियन होती है, जो कुछ मॉडर्न लोगों की ओपिनियंस होती हैं वो वीक रह जाती हैं, मीडिया उनको कवर भी कर लेता है. फॉर इंस्टेंस अगर नाहिद सिद्दीकी के ऊपर कोई उस वक्त कुछ उसको कहा जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंसेस उसकी कम हो गई या नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस रिड्यूस हो गया या ऑल ऑफ ए सडन डांसर्स गायब हो गए पाकिस्तानी मीडिया सीन से और एंकर्स और अनाउंसर्स जो हैं वो दुपट्टा सर पे लेके आ गए, तो यू कैन से कि जो डोमिनेंट ओपिनियन इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है कि जो एक दो इधर उधर के लोग होते हैं जिनकी ओपिनियन डिफरेंट होती है, दे डू नॉट मेंशन व्हाट दे आर थिंकिंग. एक और मैम, ये जो आप बता रही थी कि अभी जैसे हमें स्टार प्लस के ड्रामे दिखाना बंद कर दिए थे, मतलब फोर्सफुली के लिए यू कैन नॉट
वॉइस दी कंटेंट, फिर हमें ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं कोई मिली तो हम टीवी और एआरवे की तरफ चले गए। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में ऑब्वियसली एआरवे और हम टीवी ने फ़ायदा तो उठाया होगा ना कोई अपना एक ऐसा इफेक्ट हमारी आवाम पे छोड़ने का, तो वो किस तरह फॉलो करता है? नहीं, बात ये नहीं है कि क्या किसमें फॉलो करता है आतिफ, बात ये नहीं है कि क्या किसमें फॉलो करता है, बात ये है कि एज ए स्कॉलर आपको क्या लग रहा है कि लिमिटेड इफेक्ट है या बुलेट इफेक्ट है या? हाँ, ये आपका काम है कि आप ये जो डिफरेंट थेरीज नजर आ रही हैं, यू ट्राई सीइंग ये मौजूदा सिनेरियो में आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले शायान सनी का क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया के ऊपर बुलेट, सोशल मीडिया में आई थिंक के वो देख रहा था कि बुलेट का सोशल मीडिया रिलेशनशिप क्या है, राइट? तो फिर आप एक्चुअली ये डिसाइड करेंगे कि मैंने सोशल मीडिया में, फॉर इंस्टेंस शायान सनी सेट के पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने जो मौजूदा किसी सिनेरियो के ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उस पर पब्लिक रिस्पांस की वो बात कर रहा था, ठीक है? तो आपसे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यू कैन एक्चुअली असेस के जो पब्लिक रिस्पांस है उससे क्या लग रहा है कि उनके माइंड पे बुलेट इफेक्ट है या उनके माइंड पे लिमिटेड इफेक्ट है, राइट? तो फॉर इंस्टेंस, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी थीसिस स्टेटमेंट ये है कि जी पीटीआई जो कुछ कह रही थी उसका लोगों पे बुलेट इफेक्ट था, सो दिस इज योर क्लेम, लेकिन जैसे ही आपने पब्लिक रिस्पांस को स्टडी किया आपको पता लगा कि जो आपका क्लेम था कि पीटीआई की स्टेटमेंट्स हैड अ बुलेट इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल, योर क्लेम इज प्रूव्ड रॉन्ग, तो आप कहेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट जो है इट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि जो पीटीआई मुसलसल कर रही है इट हैज़ लिमिटेड इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल, तो जो आपने लोगों की रिस्पॉन्सेज को गौर से देखा और आपको ये लगा कि सारे लोग ही पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, तो देन यू वुड से कि जी माय थीसिस स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेड इफेक्ट वाज रिजेक्टेड। तो आप उसको सिर्फ यही देखेंगे। शायान, आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि आपका जो इनिशियली क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया जो है वो बुलेट इफेक्ट रखेगा या लिमिटेड इफेक्ट रखेगा, तो आपने सिंपली एक थीसिस स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, और थीसिस स्टेटमेंट फॉर इंस्टेंस अगर ये है कि सोशल मीडिया हैज़ अ लिमिटेड इफेक्ट, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेज शो के पीटीआई की जो स्टेटमेंट्स हैं दे हैव लिमिटेड इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल, राइट? तो फिर आपने सोशल मीडिया पे 100 लोग नजर आ रहे थे, आपने उन 100 लोगों की रिस्पांस पढ़ी, आपको रियलाइज हुआ कि उन 100 में से 80 आर सपोर्टिंग व्हाट पीटीआई सेड, तो फिर आप कहेंगे कि जी यस इट हैड स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन। अदरवाइज आपको लगेगा कि जी 40 लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, 40 लोग अगेंस्ट कर रहे थे और 20 लोग जो थे उनकी मिक्स्ड ओपिनियन थी, तो आप ये कह सकते हैं कि जी पीपल वर प्रोबेबली ओपन टू चूजिंग व्हाट डिसीजन टू मेक, उनके ऊपर लिमिटेड इफेक्ट था, दे वर गोइंग थ्रू व्हाट पीटीआई वाज सेइंग, दे वर चेकिंग व्हाट पीपल्स पार्टी वाज सेइंग, और चूंकि वो कंपेयर कर सकते थे इसलिए बुलेट लाइक इफेक्ट नहीं हुआ, लिमिटेड इफेक्ट हुआ, राइट? तो बेसिकली इट्स अबाउट यू नो लाइक लुकिंग एट रिस्पॉन्सेज एंड देन अगर आपका क्लेम था बुलेट इफेक्ट था तो रिस्पॉन्सेज से ये प्रूव हुआ कि बुलेट इफेक्ट नहीं था, और अगर आपका क्लेम था कि लिमिटेड इफेक्ट था और मे बी रिस्पॉन्सेज से यही लगा आपको कि लिमिटेड इफेक्ट ही था, तो देन यू आर सेइंग कि इट वॉज एक्सेप्टेड, थीसिस स्टेटमेंट वॉज एक्सेप्टेड, और पी टी आई एंड पीपल्स पार्टी वट एवर दे वर सेइंग ऑनलाइन हैड लिमिटेड इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? थेरिस्ट का काम तो थेरी को टेस्ट करना होता है, दोबारा एनालाइज करना होता है नए सिनेरियोस की इमरजेंस के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज की इमरजेंस के साथ, एंड देन यू कैन डिसाइड कि इम्पैक्ट पावरफुल है या इम्पैक्ट वीक है। ओके, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि ये लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी जो है वो क्या कह रही है। लिमिटेड इफेक्ट्स एक्चुअली वही बात कर रही है कि बुलेट का इफेक्ट जो है, बुलेट लाइक इफेक्ट इज नॉट प्रूव्ड,
राइट तो किसी ने बुलेट लाइक इफेक्ट की बात की तो वो ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट प्रूफ, पीपल आर सिलेक्टिव. ये इसको कह रहे हैं कि जोसेफ क्लैपर ने स्टार्ट किया था द इफेक्ट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, उसने 1960 में पब्लिश की एंड ही सेड कि पीपल कैन एक्चुअली चूज व्हाट टू सी एंड व्हाट नॉट टू सी. ठीक है, और क्लैपर एक्चुअली ये कह रहा था कि मैस कम्युनिकेशन ऑर्डिनरीली डज नॉट सर्व एज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ ऑडियंस इफेक्ट. वो ये कह रहा है कि ये हिटलर की फिल्म जो मर्जी हो बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेडियन मेकिंग ऑडियंस बिलीव कि जी हिटलर अगर जी उसको मार रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है. राइट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर जर्मन सिर्फ वही कंटेंट देख रहे हैं तो प्रोबेबली दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बट पीपल हु आर इन अदर कंट्रीज दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ मटीरियल. और फिर वो ये कह रहे हैं कि मैस कम्युनिकेशन अकेला नहीं होता दैट इन्फ्लुएंसेस पीपल्स माइंड्स, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मीडिएटिंग फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सफिशेंट कॉज नहीं है कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में एक ड्राइव चली बैक इन 2012, आपको शायद अब याद नहीं होगा, 2012 को तो 8 साल गुजर गए. तो 8 years ago आई थिंक देर वॉज सम काइंड ऑफ लीडरशिप विच कैन यू कैन से के लीडर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स, समबडी एक्चुअली सेड फॉर इंस्टेंस के जी शिया को मार दो, शिया काफिर है उसको मार दो और उसको मारना सवाब का काम है. राइट, सो यू कैन टॉक अबाउट के मीडिएटिंग फैक्टर और मीडिएटिंग इन्फ्लुएंस के जब आप जब लीडर ने जो भी लीडर था उसने अगर ये स्टेटमेंट दे दी तो कितने लोगों ने जाके नेबरहुड में शियास को कत्ल करना शुरू कर दिया या मारना शुरू कर दिया. राइट, सो यू आर सेइंग के देयर वर अदर फैक्टर्स, उस लीडरशिप की अकेली स्टेटमेंट काफी नहीं थी बिकॉज पीपल वर प्रोबेबली यूजिंग देयर ओन हेड, दे वर इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. पड़ोस में भी अगर कोई शिया सुन्नी साथ साथ रहते हैं तो वर दे फ्रेंड्स और वर दे एनिमीज, और डिड दे अगर वो उस लीडर के फॉलोअर्स भी थे तो नेबर से भी तो उनके अच्छे ताल्लुकात थे ना. तो दैट डज नॉट मीन के लीडर ने कहा कि जाके मार दो तो वो भूल गया कि जी मेरा तो नेबर शिया जो है उससे मेरी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे लीडर ने कहा कि मार दो शिया काफिर उस वो आपको सवाब होगा तो उसने जाके नहीं मारा. ओके, सो ऑल आई एम सेइंग कि वो ये कह रहा है कि नहीं, देर आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट हेल्प पीपल एक्टिवली डिसाइड व्हाट टू डू. तो वो ये कह रहा है कि पैसिव नहीं होते, लिमिटेड इफेक्ट वाला जो है वो पैसिविटी को रिजेक्ट कर रहा है. उसने कहा पैसिव नहीं होते हैं. आप देखें ना कि ये यहाँ पे उसने मेंशन किया कि लाजरसफेल्ड, उसने ये ऊपर लिखा हुआ है कि लाजरसफेल्ड ने इलेक्शन कैंपेन को स्टडी किया. राइट, और इलेक्शन कैंपेन्स को स्टडी करने के बाद उसको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कैंपेन चूंकि चल रही थी तो प्रॉबली किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन बजट बहुत बड़ा था एंड पीपल वर वॉचिंग मोर मैसेजेस इन देयर सपोर्ट, तो उन्होंने जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया. राइट, उसने कहा ऐसे नहीं होता, पीपल मे हैव लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस. और वो सिर्फ इलेक्शन को स्टडी करके कह रहा है कि उसको नहीं लगा कि इलेक्शन कैंपेन्स को देखने के बाद लोगों ने जाके जिसका बजट सबसे ज्यादा बड़ा था उसको वोट कर दिया. राइट, सो ही इज टॉकिंग अबाउट लिमिटेड इफेक्ट. ओके, और लाजरसफेल्ड वाज टॉकिंग अबाउट यू नो यहाँ पे उसने कहा कि फ्यू पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैस कम्युनिकेशन इन इलेक्शन कैंपेन्स. ओके, और ऊपर में वो होवलैंड जो है वो आर्मी स्टडीज कर रहा है, शोइंग देयर ओरिएंटेशन फिल्म्स वर इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बट नॉट इन चेंजिंग एटीट्यूड्स. वो कह रहा है कि जब आपको आर्मी फॉर इंस्टेंस हायर कर लेती है वो आपको फिल्म्स दिखाती अगर है कि जी आपने ये फिल्म देखनी है और सब लोग आके बैठ गए एंड दे वॉच दोस पर्टिकुलर फिल्म्स, तो उस फिल्म को देखने के बाद आपको इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल जाती है लेकिन दैट your attitude does not change, right? For instance, वो आपको ये कहेगा कि यहाँ पे उसने आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें, खैर हम अभी आएंगे वहाँ पे जहाँ पे उसने फॉल ऑफ ढाका का थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है इसी आर्टिकल के अंदर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या ताल्लुक है विद पब्लिक ओपिनियन. राइट,
कि गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और पब्लिक कुछ और कह रही है, तो इफेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की बात का होगा या किसी और की बात का होगा. और फिर जब आप पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें मीडिया का क्या रोल होता है. वो सिंपली ये कह रहा है कि कैन वी री इन्फोर्स मैसेजेस. ठीक है, आप ये देखें कि ये यहाँ पे ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है द मीडियम इज द मैसेज. अब यहाँ पे आपका वो मैकलुहन के रेफरेंस में कह रहा है कि मुख्तलिफ जो थे, क्लैपर ने ये कहा कि जी मीडिएटिंग इफेक्ट्स होते हैं और अदर फैक्टर्स होते हैं. उसके बाद उसने कहा कि द मीडिएटिंग फैक्टर्स आर सच दैट दे टिपिकली रेंडर मैस कम्युनिकेशन अ कॉन्ट्रीब्यूटरी एजेंट. तो सिंपली ये कह रहा है कि जब आप फॉर इंस्टेंस वो लोग जो पहले पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को वोट दिया करते थे और पास्ट इलेक्शंस में उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, तो वो सिंपली ये कह रहा है कि फिर मीडिएशन किस जगह पे हुई फॉर इंस्टेंस, राइट. वो आपको सिंपली इट इज सेइंग कि जो मीडिया के थ्रू आपको मैसेज मिलता है उसको वो कहता है कि उसको आप वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर समझें, राइट, इन अ प्रोसेस ऑफ री इन्फोर्सिंग द एग्जिस्टिंग कंडीशंस. कि अगर मुस्लिम लीग का वोटर एक तरफ कोशिश ये करेंगे जी सेम री इन्फोर्समेंट हो जाए कि आइंदा भी मुस्लिम लीग को वोट दो, राइट, लेकिन बीच में दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई, न्यू इन्फॉर्मेशन, जो कि न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ व्यूअर ऑलरेडी हैज इन माइंड. और न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके वोटर को ये लगा कि नहीं इस दफा तो मुझे इमरान खान को वोट दे देना चाहिए, राइट. तो लिमिटेड इफेक्ट वाले कह रहे हैं कि जो मीडिया से आपको मैसेज मिलता है इट्स सर्व्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. वो कह रहे हैं कि आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड यू कैन एक्टिवली डिसाइड कि आपको क्या करना है, आप पैसिव नहीं है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बुलेट थ्योरी एंड लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी. कि एक कहता है कि पैसिव है, व्यूअर इज पैसिव. दूसरा कहता है कि नहीं, व्यूअर इज नॉट पैसिव, व्यूअर इज एक्टिव. और अलबत्ता वो एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं विच आई थिंक इज इंटरेस्टिंग, कि वो ये कह रहा है कि मैकलुहन को वो मेंशन यहाँ पे कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो ये कि पहले वो कह रहा था कि जब लोग आपस में डिस्कशन करके डिसीजंस इस्तेमाल डिसीजन कहते हैं बेसिकली इफ यू लुक एट हियर, वो आपको ये कह रहा है कि जब हम फाइव सेंसेस, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर यूजिंग ऑल ऑफ आवर सेंसेस, राइट, फॉर मेकिंग डिसीजंस. जब फॉर इंस्टेंस अगर जब आप बात करते हैं बिल्कुल प्रिमिटिव kind of people ki, to you would say ke they use their five senses for making decisions. Aankh ka istemal, naak ka, matlab five senses, aap hearing, smelling, touching, seeing and tasting, right, aap sare senses use karte the for making decision. लेकिन उसने कहा कि जब टेक्नोलॉजी आ गई, फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रिंट मीडिया आया, तो प्रिंट मीडिया ने आपको फाइव सेंसेस से हटा के रीडिंग पे डाल दिया, राइट. तो आप वन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप यू आर यूजिंग योर आईज टू रीड मटेरियल, जबकि टेलीविजन और फिल्म के लिए यू आर यूजिंग बोथ योर आईज एंड यू आल्सो लिसनिंग एबिलिटी टू रिएक्ट टू द मीडियम, राइट. वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि जब आपने प्रिमिटिव से प्रिंट पर गए तो आपने फाइव सेंसेस यूज करने बंद कर दिए एंड यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकिंग, मेकिंग इट लीनियर, सिक्वेंशियल, रेगुलर, रिपीटेड एंड लॉजिकल, राइट. कि जब आप खबरें पढ़ते थे तो आप उनके बारे में सोचते थे लीनियर स्टाइल में, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. सो जो आपका ब्रेन फंक्शन है वो सिर्फ रीडिंग की वजह से, उसने कहा कि सिक्वेंशियल, रेगुलर, रिपीटेड एंड लॉजिकल हो गया, ठीक है. तो जब आपने प्रिंटिंग ने आपको सिंगल यानी सीइंग पे शिफ्ट कर दिया तो आपने लॉजिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव हो गई एज अपोज टू जो फाइव सेंसेस वाली थिंकिंग थी. फाइव सेंसेस मेड यू रिएक्ट डिफरेंटली और प्रिंट मीडिया ने आपको लीनियर सीक्वेंशियल पे डाल दिया. आप ये सोचते हैं कि जी वी आर ऑफन टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स, ठीक है, कि जी ये तो हमेशा इसी तरह बिहेव करता है, राइट. तो वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ के टेक्नोलॉजी ने हमें एक खास तरीके से डिसिप्लिन कर दिया, हमारी सोच को इन्फ्लुएंस किया, विच इज मोर लीनियर देन
360 का जो कॉन्सेप्ट था ना फाइव सेंसेस के साथ, वो रिड्यूस हो गया, राइट, क्योंकि हम उन सेंसेस को लेस यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली फिर दैट्स वेयर आई सेड कि प्रिंट ने अगर सिर्फ सीइंग पे शिफ्ट किया तो टेलीविजन और फिल्म ने आपको सीइंग से दोबारा निकाल के, सीइंग के अलावा आपको हेयरिंग को दोबारा ऐड कर दिया, ठीक है. और मैकलूहन को वो ये कह रहा है कि उसने कहा कि टेलीविजन इज अ विजुअल ओरल एंड टैक्टाइल मीडियम. ओके, तो आप इसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और अगर किसी को फॉर इंस्टेंस टैक्टाइल का मतलब नहीं पता तो यू कैन ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि टेक्स्ट रिलेटेड चीजें जो हैं आप कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, राइट. तो आप टच तो नहीं कर उसमें ना, आप उसको टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट. आप और जो कि आपको वो ये कह रहा है कि नॉट ओनली सेंस ऑफ टच बट परसेप्टेबल बाय टच और अपेरेंटली, तो आप परसीव भी तो कर सकते हैं ना, परसीविंग द टच. ओके, तो वो सिंपली आपसे ये कह रहा है कि टेलीविजन जो है वो किस किस्म का मीडियम है, और इसकी वजह से उसने कहा कि जो आपके फॉर इंस्टेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी अबाउट द मोनोलिथिक, किसी को याद है कि मैंने क्या कहा था अबाउट द मोनोलिथिक आते? डज एनीवन रिमेम्बर कि मैंने मोनोलिथिक क्या कहा था? सिंगल परसेप्शन. हाँ, मोनोलिथिक का मैंने आपसे सिंपली ये कहा था कि जो नेशनल सिनेमाज होते हैं फॉर एग्जांपल वो मोनोलिथिक होते हैं, वो आपको सर्टन टाइप ऑफ नॉर्म्स या सेट ऑफ बिलीव्स देना चाहते हैं, ठीक है. नेशनल सिनेमा आपको दिखाएगा फॉर इंस्टेंस आईएसपीआर ने कुछ फिल्म स्पॉन्सर की जिनके कोई नाम बताएंगे, यलगार, वार, राइट, इस किस्म की फिल्म स्पॉन्सर की, तो वो नेचुरली आईएसपीआर अपनी पोजीशन से बनाएगा ना फिल्म कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म को नेशनलिज्म किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए टू द व्यूअर फॉर इंस्टेंस, राइट. और जब हम हमारे और उसी के अगेंस्ट कि हमने वार देखी, यलगार देखी और साथ ही माय नेम इज खान चल गई पाकिस्तानी सिनेमा में, जबकि माय नेम इज खान जो है वो क्लियरली अनाउंस करती है कि पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट्स, राइट. तो वो मोनोलिथिक टूट गया ना, क्योंकि आपने अपने ऑडियंस को ये सोचने का मौका दिया कि somebody is calling Pakistanis terrorists, right? तो अगर अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पिछले दो डेकेड्स में खासतौर पे 9/11 के बाद ये परसेप्शन बहुत ज्यादा थी कि पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट, और जो पाकिस्तान से ट्रेवल करता था इंटरनेशनल ट्रेवल लिस्ट पे उसके नाम के साथ ही 4 stars अपीयर हो जाते थे एयरलाइन पे, जैसे ही आप उतरते थे अमेरिका वो आपको साइट पे ले जाके आपकी बॉडी सर्च शुरू कर देते थे, बिकॉज आपको एंड देन समबडी वुड टेल यू कि नो इट्स द कंप्यूटर, इट हैज रैंडमली डिड इट, जबकि यू वुड स्टिल थिंक कि शायद रैंडम की थ्योरी अप्लाई नहीं होती, बिकॉज देन दे वुड से कि दीज आर सर्टन एयरलाइंस ऑल्सो, कि जो एयरलाइन जो है फॉर इंस्टेंस अगर आप PIA से आए हैं या आप फॉर एग्जांपल PIA से नहीं भी आए, एमिरेट्स से आए, तो एयरलाइन से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर शायद ये मल्टी स्टार एलिमेंट ज्यादा नजर आ रहा था कि जी अगर इस एयरलाइन से लोग आए हैं तो उसमें आपने रैंडम पिक करना है फॉर क्लोज चेकअप एक्सेट्रा. तो मैं आपसे सिंपली यही कही थी कि आप देन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो कि जी ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियाज कैसे होती है, क्योंकि ही इज सिंपली सेइंग कि जब मोनोलिथिक से हम हट गए ना, हम मोनोलिथिक से हट गए और टीवी ने या फिल्म ने हमें एक नए सिरे से ग्लोबल विलेज क्रिएट कर दिया, हमारा ओरिजिनल जो ट्राइब था वो लोकल था या मोनोलिथिक था कि हम सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन थे, राइट. और मीडिया ने या फिल्म ने हमें रीट्राइबलाइज कर दिया, इट मेड अस ग्लोबल सिटीजन्स. जी, एनी अदर कमेंट?
यहाँ पे आप ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने ये लिखा कि जो आपसे वो बात कर रहा है फॉर्म की, फॉर्म और कंटेंट, राइट? आपको बेशुमार जगहों पे यू विल कम अक्रॉस थिंग्स लाइक दिस के फॉर्म फॉलोज फंक्शन, राइट? और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी फिल्म का कंटेंट क्या था और फिल्म का कंटेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, माय नेम इज खान वाज शोइंग पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट। तो इंडियन सिटीजन चाहे वो इंडिया में है या अमेरिका में है, जब वो उस फिल्म को देखेगा तो ही वुड थिंक कि ओ पाकिस्तानीज आर, ऑल पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टेंट हियर, बट then we have to think कि content का form से क्या relationship है। For instance, form किस form में present किया, was it a film, was it a TV commercial or was it a documentary or something, right? और फिर form ज्यादा important है या content ज्यादा important है, and I earlier said कि form follows function, कि इसके पीछे objective क्या है, why am I making this film, और इस फिल्म को बनाने के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जब हम फोर्थ लुक की बात कर रहे थे एंड आई सेड के इट्स लुकिंग एट यू, इट्स हिप्नोटाइजिंग यू, राइट? तो फिर जो भी फंक्शन था उसके पीछे, फंक्शन ये था इम्पार्टिंग सर्टन टाइप्स ऑफ बिलीव्स, राइट? तो अगर अंग्रेज जब यहाँ पे रह के गया ब्रिटिश इंडिया में और वो लोगों को इतना ज्यादा ए कल्चरल नहीं कर सका, यू नो के कल्चरल नॉर्म्स परहैप्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट, राइट? जब अंग्रेज यहाँ से गए तो शायद पूरे पाकिस्तान की लड़कियां फॉर इंस्टेंस वर नॉट वेयरिंग जीन्स, लेकिन 70 इयर्स आफ्टर देयर डिपार्चर परहैप्स इन ऑल अर्बन प्लेसेस मेनी वुमेन आर ए कल्चर्ड एंड पीपल आर ए कल्चर्ड, राइट? तो आप उसको ये देख सकते हैं कि चेंज क्या आई है, जो चेंज अंग्रेज नहीं ला सका था वो चेंज कैसे आ गई। तो यू वुड से कि जी मीडिया की वजह से चेंज आ गई, ड्रेस कोड्स हैव चेंज्ड, अंग्रेजों की प्रेजेंस से शायद इतनी ज्यादा चेंज नहीं आई थी, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आ गई, राइट? तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन एक्चुअली वहां पे आ जाता है कि न्यू फॉर्म के जो भी फंक्शंस थे वो फंक्शंस वहां पे सर्व हो गए। ओके, यहाँ पे मैकलुहन इज सेइंग के द कंटेंट ऑफ द मीडियम इज लाइक द जूसी पीस ऑफ मीट, राइट? एक चोर जो है अगर किसी के घर में घुसता है तो वो कुत्तों के लिए फॉर एग्जांपल गोश्त के टुकड़े फेंक देता है, राइट? तो जूसी पीस ऑफ मीट, तो डॉग गोज आफ्टर द जूसी पीस ऑफ मीट एंड द बर्गलर डज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि कंटेंट ऑफ द मीडियम इज लाइक द जूसी पीस ऑफ मीट कैरिड बाय द बर्गलर टू डिस्ट्रैक्ट द वॉचडॉग ऑफ द माइंड। आपका जो माइंड का वॉचडॉग था ना, उसको आपने जूसी मीट के थ्रू डाइवर्ट कर दिया, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट एकल्चरेशन, वी विल टॉक अबाउट न्यू आइडियाज, वी विल टॉक अबाउट बाइंग न्यू आइडियाज, एंड वी वुड से कि जब शर्मीन उबैद चनोई की फिल्म आई सेविंग फेस या अ गर्ल इन द रिवर, तो सारी दुनिया को उसने वॉचडॉग ऑफ द माइंड को डाइवर्ट कर दिया। पीपल वर टॉकिंग लेस अबाउट नॉर्म्स एंड मोर अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, राइट? अभी जैसे फॉर इंस्टेंस न्यू लॉज आए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, आई थिंक रेप के ऊपर कोई न्यू लॉ सुना आपने लेटली आदिर? जी मैम, बिल्कुल, वो नया एक लॉ पास हुआ है। मैम, ड्राफ्ट हो रहा है अभी। हाँ, ड्राफ्ट हो रहा है, तो वो नया लॉ क्या है? कैन समबडी डिस्क्राइब? वही केमिकल कास्ट्रेशन और स्पीडी उसमें मैम दो चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी दे दी है अभी। वो उसमें ये हुआ है कि दो ऑप्शंस हैं, वो अब रेपिस्ट को जो है ऑप्शन होगी कि वो या तो कास्ट्रेशन की तरफ चला जाए या फिर वो उम्र कैद जो है, दोनों में से कोई एक चीज एक्सेप्ट करेगा। ऐसी है ना, मोटरवे रेप केस जो था, जो कि अभी पिछले 2-3 महीने में हुआ है। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने आपसे कहा कि ये जो मोटरवे रेप केस था
मोटरवे रेप केस था, ये सितंबर की ही बात है ना, मोटरवे रेप केस की क्या डेट थी? तो आप ये देख रहे हैं फ्रॉम मोटरवे रेप केस टू दिस न्यू लेजिस्लेशन विच इज बीइंग फॉर्म्ड, आप ये देख सकते हैं ना कि ये इंटरेस्टिंग है कि स्पीडी 2 महीने के अंदर ही आपका ये लॉ के कोई साइंस नजर आ रहे हैं कि प्रोबेबली गवर्नमेंट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ लॉ कि आप दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर लें. उम्र कैद तो बड़ी लंबी सजा होती है अगर 2 साल के लिए भी बंद कर रहे होते, जो कि सेकंड मैरिज के केस में है कि अगर आपने बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली तो यू मे एंड अप इन जेल फॉर 2 ईयर्स. तो मेरा ख्याल है ये रेप लॉ जो है उससे कहीं ज्यादा सख्त है और प्रॉबली डेंजरस भी है एंड इट मे बार पीपल फ्रॉम रेपिंग वेमेन. तो बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, और दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रही थी कि कंटेंट ऑफ द मीडियम इज लाइक द जूसी पीस ऑफ मीट कैरिड बाय द बर्गलर, के जिस जो बर्गलर आपके घर में फॉर एग्जांपल दाखिल हुआ टू स्टील योर नॉर्म्स, उसने आपको एक जूसी मीट दिखाया टू डिस्ट्रैक्ट द वॉचडॉग ऑफ द माइंड. तो आपने कहा कि नहीं, इतनी ही फॉर इंस्टेंस फ्रीडम होनी चाहिए, ड्रेस इस तरह का होना चाहिए, लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए, विमेंस मोबिलिटी में फ्रीडम होनी चाहिए, औरतों को जब जब जिस वक्त चाहें वो जा सकें. अगर रात के 3 बजे कोई लड़की उठ के घर से निकल जाती है तो जाए, राइट. सो बेसिकली आई एम सेइंग कि यहाँ पे वो सिंपली ये कह रहा है कि जब आप वॉचडॉग ऑफ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज फॉरेन फिल्म वुड शो दैट वुमन कैन गो आउट एट एनी टाइम ड्यूरिंग 24 आवर्स, जबकि पाकिस्तानी कॉन्टेंट ये शो करेगा कि नो, वुमेन डू नॉट गो आउट वंस दे गेट होम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, राइट. एक दफा आप यूनिवर्सिटी से घर आ गए तो आपके आप 5 बजे यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी, 7 बजे आप जा रहे हैं डेट पे, तो somebody would ask you कि जी आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है. तो वो सिंपली ये कह रहा है कि फॉरेन कंटेंट आपको कुछ और दिखाएगा, लोकल कंटेंट आपको कुछ और दिखाएगा, तो इट विल डिस्ट्रैक्ट द वॉचडॉग ऑफ द माइंड, और आप उस नए के साथ चलेंगे कि जी हमें फिर क्या करना चाहिए. तो वो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट होगा. द कॉन्टेंट ऑफ द मीडियम इज लाइक द जूसी पीस ऑफ मीट. ओके, तो सिंपली आपसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक नेक्स्ट पैराग्राफ में, वो ये कह रहा है कि आप तो इस तरह व्यूअर को थर्ड वर्ल्ड की तरह बना देंगे, कि जिस तरह आप थर्ड वर्ल्ड के लोगों को कंट्रोल करते हैं तो व्यूअर विल बिकम योर थर्ड वर्ल्ड. क्या? क्योंकि ये देखें ना कि पेरेंट्स टूडे आर वॉचिंग देयर चिल्ड्रन बिकमिंग थर्ड वर्ल्ड, और यहाँ पे वो फर्स्ट वर्ल्ड के बच्चों की बात कर रहा है कि आप उनको सर्टन टाइप्स ऑफ चीजें दिखाते रहेंगे. तो इसका मतलब ये है, वो जो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली उससे भी लिंक्ड है, जब वो आपको कह रहा था ना कि जब आप 5 senses इस्तेमाल करते थे तो आपका ब्रेन किसी और तरीके से डिसीजन मेकिंग करता था, फिर आप प्रिंट पे चले गए तो आपके माइंड जरा उसको उसने क्रिटिकल थिंकिंग पे लगा दिया जो कि ज्यादा लीनियर थी. तो यहाँ पे वो सिंपली ये कह रहा है कि जो वी आर चेंजिंग इनटू लाइक थर्ड वर्ल्ड काइंड ऑफ पीपल, के बिकॉज हम हर अपनी जो हमारी वर्सेटिलिटी ऑफ सेंसेस है हम उसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है. तो वो बेसिकली कि जिस तरह लिटरेसी ने यू नो इफ होमर वाज वाइप्ड आउट बाय लिटरेसी, आपने अगर होमर की स्टोरी अगर सुनी हुई है तो उसको कह रहा है कि ही वाज वाइप्ड आउट बाय लिटरेसी, लिटरेसी कैन बी वाइप्ड आउट बाय रॉक, कि आप एक खास किस्म की चीजें दिखाते रहे एंड पीपल विल पैसिवली बिहेव, यू नो विल पैसिवली बिकम व्हाट यू आर शोइंग देम और व्हाट यू वांट देम टू थिंक, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सिंपली वो आगे चल के वो ये उसने एग्जांपल दी, उसने फॉर इंस्टेंस के बच्चे अनटचेबल्स में जिस किस्म का कंटेंट देख रहे थे वो उसको लगा कि पैसिवली देखेंगे और लिटरेसी विल बी वाइप्ड आउट बाय द रॉक, ठीक है. और फिर यहाँ पे कुछ और अटैक्स आए, उसने कहा जो मैकलूहन था
उसने कम्युनिकेशन को अगेंस्ट ब्रेन डेवलपमेंट स्टडी करना शुरू कर दिया. उसने कहा कि जी राइट ब्रेन क्या काम करता है और विच इज इरेशनल एंड इंटुइटिव, एंड लेफ्ट ब्रेन जो है वो रैशनल और क्रिटिकल काम करता है. तो मैकलुहन ने कम्युनिकेशन थ्योरीज को, जो भी वो पैसिव और एक्टिव ब्रेन की बात कर रहा था, पैसिव एंड एक्टिव व्यूअर की, उसने कहा कि उसने उसको जो साइंस कहती है ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, उसने उसके अगेंस्ट करने की कोशिश की, बट स्टिल उसको ये लग रहा है कि मैकलुहन जो है वो कंप्लीट आंसर्स नहीं दे सका कि हम पैसिव हैं या एक्टिव हैं. मतलब देयर वर सर्टेन न्यू क्वेश्चंस जो कि उसको अपनी रिसर्च में नजर आए, और उसको लगा कि मैकलुहन जो पैसिविटी की बात कर रहा था उन तमाम सवालों का जवाब वहाँ पे नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल जो मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्शन स्टडीज जो थी वो भी ये शो कर रही थी कि लोग पूरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं हुए. तो ये अटैक्स है ना, नए सिनेरियो को सिलेक्ट किया, इलेक्शन इज अ डिफरेंट सिनेरियो, एंड वॉचिंग टी वी प्लेज ऑन सेक्शुअल हरासमेंट, रेप और इंसेस्ट इज समथिंग एल्स. तो वो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं, और नए नए वेरिएबल्स को आप ऐड करके देखें कि जी इस वेरिएबल के साथ ये थ्योरी सही है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एज इज़ अ डिफरेंट वेरिएबल. हो सकता है बच्चों के ऊपर बुलेट लाइक इफेक्ट होता हो, ठीक है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं शायद लिमिटेड इफेक्ट रह जाता हो. फिर होता है, हो सकता है कि आपकी एजुकेशन से फर्क पड़े कि आपके ऊपर लिमिटेड इफेक्ट आ रहा है या बुलेट लाइक इफेक्ट आ रहा है. तो उसने कहा कि बाकी वेरिएबल्स को भी तो टेस्ट करो ना, कि कौन गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, कौन सा जेंडर जो है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पैसिव उसको बना देगा, और कौन सा जेंडर है लाइक वेमेन शुड परहैप्स act passively because if they are exposed to too much material ke ji women should live at home. आई थिंक के बहुत सारे ड्रामों में इस किस्म का कमेंट आ जाता है, तो कि तुम्हें तो सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम बच्चों को भी प्रॉपरली नहीं पाल सकी, और बेटी जो है वो शायद घर से भाग गई, तो माँ की गलती थी, उसने बेटी को सही तरीके से नहीं पाला. ओके, तो बेसिकली अगर आप ये ड्रामा ये शो करेगा दैट वुमेन्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डोमेस्टिकेशन या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन, तो इसका मतलब है कि मोर वुमेन शुड बी थिंकिंग कि उनकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. क्योंकि दोनों पेरेंट्स अगर काम पे चले जाएंगे तो फिर बच्चे को कौन देखेगा, फॉर इंस्टेंस. तो ऑल इट इज सेइंग कि इट रियली डिपेंड्स के इफेक्ट जो है वो कौन सा है, तो एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप थ्योरीज को न्यू वेरिएबल्स के अगेंस्ट चेक करें ना. आपने जो पैसिविटी की बात कर रहे थे या बुलेट इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि हिटलर के जमाने में भी जो आदमी जिसकी उम्र 55 साल थी या 70 साल थी, उसके दिमाग पे शायद बुलेट इफेक्ट नहीं था, राइट? तो बेसिकली आपसे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं पब्लिक एट लार्ज पे, तो बुलेट इफेक्ट अगर हो भी गया तो उस इस थ्योरीज जो हैं वो मुख्तलिफ इफेक्ट थ्योरीज को टेस्ट कर रहे हैं. जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह आजकल पेंडेमिक की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, और इन ट्रीटमेंट से कौन सी 100% ट्रीटमेंट होगी, तो मुख्तलिफ चीजें टेस्ट हो रही है ना. तो उसी तरह ये थ्योरीज भी आप कह रहे हैं कि री इवेल्युएशन बार बार हो रही है कि जी बुलेट इफेक्ट है या नहीं है मीडिया का, और किस तरह कौन सा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है अगर आपको ऐसे तरीके मिल जाए. By assessing and reassessing theories, you can probably arrive at some kind of methodology के कौन सी communication जो है वो most effective है in influencing people, if that is the objective of communication, कि जी we want to influence people. अच्छा, ये synthetic experience जो है ये बड़ा interesting है. वो ये मैं can somebody describe कि synthetic experience क्या हो सकता है, why are we talking about synthetic experience? क्योंकि हम मीडिया की तो मोस्टली यही बात कर रहे होते हैं ना. मेरी रियल लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू. आपसे बात करने से पहले आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, राइट?
जब आपसे मेरी आज की कम्युनिकेशन खत्म होगी तो आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ माय लाइफ ओनली, ठीक है? वाइल इस क्लास के बाद और इस क्लास से पहले और इस क्लास के बाद आप लोग कुछ और कर रहे थे, आप में से हर बंदा वॉज डूइंग समथिंग एल्स, ओके? तो वो सिंपली हम सबकी, विच इम्प्लाइज के हम सबकी चूंकि अलग अलग लाइफ है तो हमारी सारी स्टोरीज या कॉन्टिन्यूटी जो है वो डिफरेंट है. वो यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि मीडिया तो इतनी कॉन्टिन्यूटीज दिखाते ही नहीं है. मीडिया एक सीन कहीं से उठाता है, दूसरी सीन कहीं और से उठाता है. जब आप फिल्म के लिए कहानी लिखते हैं या आप किसी और चीज के लिए कहानी लिखते हैं तो यू आर पिकिंग वन सीन फ्रॉम वन प्लेस एंड पिकिंग अनदर सीन फ्रॉम समवेयर एल्स. कभी आप उसको स्लो मोशन में चला रहे होते हैं, कभी आप उसको फास्ट भी कर रहे होते हैं. ठीक है, एक मिनट प्लीज जरा होल्ड करिएगा. सो आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रही थी कि सिंथेटिक एक्सपीरियंस क्या है? सिंथेटिक एक्सपीरियंस इज कि मैं और आप अपनी मौजूदा कॉन्वर्सेशन को अगर फास्ट पेस कर दें रिकॉर्डेड को तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. लेकिन अगर मैं स्लो कर दूँ तब भी आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. सो स्पीच पे तो अप्लाई नहीं होता फास्ट और स्लो, लेकिन unless you want to use it as an effect, mostly आप जो कुछ दिखा रहे होते हैं आप उसको fast motion और slow speed कर सकते हैं, right? At the same time वो ये कह रहा है कि आप जब film की stories या media की stories बना रहे होते हैं तो you are reenacting situations. कहीं का scene कहीं डाल दिया, किसी की life का scene कहीं से उठा लिया. Detailed life of every person नहीं आ रही होती, selected scenes होते हैं जिनसे आप story compose करते हैं और फिर आप इंस्टेंटेनियसली कट कर देते हैं फ्रॉम वन सीन टू अनदर, राइट? तो फ्रेगमेंट ऑफ इवेंट्स दिखा रहे होते हैं फ्रॉम लाइफ्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. यू जक्स्टापोज वन इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ वन कैरेक्टर विद अनदर इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अनदर कैरेक्टर. वो इस सारे प्रोसेस को कह रहे हैं सिंथेटिक एक्सपीरियंस, कि व्यूअर जो है वो एक सिंथेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता है, राइट? उसके अलावा फिर हम एनिमेशन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो वो ये कह रहा है कि ये सारा सिंथेटिक एक्सपीरियंस है, ये तो रियल एक्सपीरियंस है ही नहीं. कहीं का सीन किधर, किसी कहीं से कट किधर. वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट पुटिंग थियरीज टुगेदर, पुटिंग सीन्स टुगेदर, ठीक है? और जब हम ये सीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें हम उसमें भी कट कर रहे होते हैं कि कौन सा डायलॉग कहाँ का, किसकी कौन सी बात दिखानी है, अब्बा ने बच्चे को क्या कहा या बच्चे ने अपने दोस्तों को क्या कहा. तो हम सिलेक्टेड सीन्स दिखा रहे होते हैं. तो उसने फिर उसके बाद इस सिंथेटिक एक्सपीरियंस की वजह से वो ये कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट सिंथेटिक एक्सपीरियंस मे हैव ऑन द माइंड ऑफ द व्यूअर. वो ये कह रहा है कि जब आप चीजों को सिलेक्टिवली दिखाएंगे तो लोगों के अंदर लो टॉलरेंस फॉर बोर्डम और इनएक्टिविटी, राइट? लो टॉलरेंस फॉर बोर्डम और इनएक्टिविटी, इट सिंपली मीन्स कि आपको जल्दी जल्दी चीजें, क्योंकि हमारी हमारा माइंड फिल्म को या टीवी कंटेंट को देख के ट्रेन हो जाता है कि हमें स्टोरी एक सर्टन पेस पे और जल्दी जल्दी बतानी है. तो कहता है फिर हम उससे अगर स्पीड कम होगी तो वी विल गेट बोर्ड. तो लो टॉलरेंस फॉर बोर्डम और इनएक्टिविटी. उसके अलावा मतलब अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही स्टोरी में तो हमारी टॉलरेंस वीक हो जाएगी. हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन एंड ऑफ हाई लेवल परफॉर्मेंस, के ड्रामे में तो हमें यू नो लाइक हमें नजर आता है कि हर चीज जो है परफेक्ट होनी चाहिए. तो वो ये कह रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होगी फॉर परफेक्ट
परफेक्शन, हम हमारी जो एज व्यूअर हाई लेवल परफॉर्मेंस की हमारी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होगी. और फिर वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ क्विक इफेक्टिव नीट रेजोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम. सो इसका मतलब है कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि ड्रामे के अंदर तो प्रॉब्लम जो है, सोप्स में तो हम देखते हैं कि एवरी फ्यू मिनट्स कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है. ड्रामे और फिल्म में भी हम देख रहे होते हैं कि रेजोल्यूशंस जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस की. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने ब्रेन को हैवी मीडिया एक्सपोजर से या चलो जिस किस्म के भी मीडिया एक्सपोजर से ये सारा कुछ इस तरह का बना देंगे कि जी रेजोल्यूशन होना चाहिए और फटाफट होना चाहिए, तो हमारी रेजोल्यूशन जहाँ पे नहीं होगा तो हम इंटॉलरेंट होंगे. फिर मिसपरसेप्शन ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल इवेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम वायलेंस को स्लो मोशन में देखेंगे, ठीक है, तो हम उसको, वो ये कह रहे हैं कि जब हम स्लो मोशन में देखेंगे तो हमें शायद वो जो है इनसेंसिटिव हो जाएंगे, राइट. और या जिस स्पीड में भी हम जब वायलेंस देख रहे होंगे तो फिजिकल एंड सोशल इवेंट्स की वो बात कर रहा है, तो हम उसको इनसेंसिटिव हो जाएंगे. तो हम उसको मिस परसेप्शन इन द सेंस कि अगर किसी ने किसी से झूठ बोला या किसी ने किसी को मारा तो हम इनसेंसिटिविटी की वजह से हम उसको सीरियसली शायद आइंदा नहीं लेके जाएंगे. और फिर आखिरी चीज वो ये कह रहा है कि लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद द सुपरफिशियल व्यू ऑफ वन्स ओन इनहैबिटेड एनवायरमेंट. तो मीडिया जो है हमारे, हम जिस एनवायरमेंट में हम खुद रहते हैं उसका भी व्यू सुपरफिशियल हो सकता है हमारा, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट अदर एनवायरमेंट्स एज वेल. तो वो ये कहता है कि हमारा अपनी एनवायरमेंट से कॉन्टेक्ट जो है वो लिमिटाइज हो जाएगा बिकॉज मीडिया के थ्रू वी आर इन कॉन्टेक्ट विद अदर एनवायरमेंट्स एज वेल. समझ में आ गया आपका ये सिंथेटिक एक्सपीरियंस इफेक्ट के बारे में वो क्या कह रहा है? Is it clear? Yes, ma'am. जी शजी आप क्या कह रहे थे? आतिल मैं ये कह रहा था कि ये जो सिंथेटिक एक्सपीरियंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फंकहाउजर और शॉ ने, ये बेसिकली सारे का सारा रिलेट करता है कि हाउ पीपल परसीव सोशल रियलिटी. तो उसके हवाले से था कि जो चीजें हम लोग देख रहे होते हैं उनकी जक्स्टापोजिशनिंग करते हैं अपनी डिफरेंट चीजों के साथ, जैसे अभी आपने भी बताई है, तो वो कट एंड पेस्ट वाला चक्कर है कि आज सुबह क्या हुआ था उसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि अगले दिन जो है मेरे साथ कोई इवेंट हो रहा है तो उसके साथ मैं उसको लिंक कर दूंगा और फिर मैं उसकी मदद से जो है अपनी सोशल रियलिटी डेवलप करूंगा. तो उस हवाले से मतलब इसमें चीज थी. एक चीज मैम जो थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन कह लें या एक क्वेश्चन मेरा है कि ये जो भी लास्ट पॉइंट अभी आपने बताया लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद एंड सुपरफिशियल व्यू ऑफ वन्स ओन इनहैबिटेड एनवायरनमेंट, ये मैम काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए. देखें मेनी टाइम्स आई थिंक यू मे हैव हर्ड के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उस तरह नहीं सोचता जैसे मेरे माँ बाप सोचते हैं. आई थिंक एक सर्टन एज पे तो हमें ये भी लगता है कि आर पेरेंट्स डू नॉट नो अस वेल, माई पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी वेल. सिंपली ऑल आई थिंक ऑल ही वॉट ही इज ट्राइंग टू से हियर कि आपका मीडिया एक्सपोजर या दूसरी एनवायरमेंट्स, क्योंकि हम फिल्म जो हैं वो हमें इसको अगर आप सिंप्लीफाई इस तरह भी कर लें, फॉर इंस्टेंस कि जो एक गाँव का बंदा है, राइट, वो एक सर्टन उसकी एक सर्टन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है विद दैट विलेज एनवायरनमेंट, ओके. उसके बाद आप उसको दिखाते हैं अ प्ले लाइक मेरे पास तुम हो, ओके. मेरे पास तुम हो में एक कैरेक्टर अपीयर होती है जिसका नाम है महविश और दूसरा कैरेक्टर अपीयर होता है जिसका नाम है दानिश. और दानिश जो है वो अपनी बीवी को एक थर्ड पर्सन के साथ जाने देता है. गाँव का बंदा जो है वो तो शायद ऑनर किलिंग पे चला जाएगा ना. इन मेनी प्लेसेस इन पाकिस्तान पीपल विल थिंक अबाउट ऑनर किलिंग द वुमन जो कि हस्बैंड को छोड़ के भाग गई, राइट. तो सिंपली वो यहाँ पे से इतना कह रहा है कि जो एन इनहैबिटेड एनवायरनमेंट के साथ किसी भी व्यूअर की रिलेशनशिप होती है
वो रिलेशनशिप वीक हो रही है बिकॉज आपका मीडिया एक्सपोजर या हैवी मीडिया एक्सपोजर की वजह से आपका सुपरफिशियल व्यू ऑफ वन्स ओन इनहैबिटेड एनवायरनमेंट, आप अपना जो आपकी रिलेशनशिप थी वो उसके बजाय आप टीवी पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आपका लिमिटेड कॉन्टेक्ट हो गया, राइट? जैसे ही कॉन्टेक्ट लिमिटेड हुआ आपका अपनी इनहैबिटेड एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो सुपरफिशियल हो गई बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम वॉचिंग अदर मटीरियल. तो आपका अपना जो इनहैबिटेड एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो गई ना बिकॉज यू हैव रिलेशनशिप विद अदर एनवायरनमेंट्स बिकॉज ऑफ लेसर कॉन्टेक्ट विद योर ओन. ठीक है, तो वो सिंपली यही कह रहा है कि लिमिटेड कॉन्टेक्ट एंड सुपरफिशियल व्यू ऑफ वन्स इनहैबिटेड एनवायरनमेंट. ओके, स्पाइरल ऑफ साइलेंस जो है, दिस इज अनदर थ्योरी, एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन की है और वो ये कह रहे हैं कि इसने इसके ऊपर डिफरेंट चैप्टर्स दिए गालबन 1973 में भी और 1980 में भी. एंड न्यूमैन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, यू नो, के शी इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, क्यूमिलिएटिव, यूबिकिटस एंड कॉन्जोनेंस. आप देख रहे हैं क्यूमिलिएटिव, यूबिकिटी एंड कॉन्जोनेंस. क्यूमिलिएटिव तो सिंपली इम्प्लाइज कि जो चीज आप बार 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 एक ही चीज किसी के दिमाग में डालते रहें, तो दैट इज अबाउट क्यूमिलिएटिव इफेक्ट कि आपने आज देखा, कल देखा, परसों देखा, आहिस्ता आहिस्ता बार बार बात करते रहो तो यू विल इमेजिन कि चलो कभी तो असर होगा. ओके, उसके बाद वो बात कर रहा है यूबिकिटी. शी बाय यूबिकिटी शी मीन्स कि आपको ये लगता है कि ये तो इट इज हियर, आपको चीजें ऐसी नजर आ रही होती है ना कि ये प्रेजेंट हैं, दे आर देयर, तो और आपको वो चीजें हर तरफ नजर आ रही होती हैं. सो प्रेजेंट इन द सेंस कि यूबिकिटस, आपको यू सी इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो जो चीज आप क्यूमिलिएट हो रही है और हर तरफ नजर आ रही है और फिर कॉन्जोनेंस की वो बात कर रही है, तो इवेंचुअली तो शायद आप एग्री कर जाएंगे. और फिर एग्रीमेंट इन द सेंस कि मैंने आपसे कहा था कि 10 लोग अगर एक चीज से एग्री कर रहे हैं और 11वां एग्री नहीं कर रहा, तो जो एग्री नहीं कर रहा वो कॉन्जोनेंस की वजह से चुप रहेगा बिकॉज ही थिंक्स कि 10 लोग एग्री कर रहे हैं तो प्रोबेबली आई शुड नॉट मेंशन व्हाट आई एम थिंकिंग. तो वो स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज अबाउट दैट नंबर 11 के 10 लोग एक पॉइंट से एग्री कर रहे थे और 11वां जो एग्री नहीं कर रहा था उसने अपनी जो वो सोच रहा था वो उसने उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया, और चूंकि उसने एक्सप्रेस नहीं किया तो बाकी के 10 लोगों को लगा कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं. ओके, सो उसके अंदर इंप्रेशन ये आ गया कि 11 पीपल आर थिंकिंग द सेम थिंग, जबकि आई सेड के नंबर 11th वाज नॉट थिंकिंग द सेम थिंग, ही हैड अ डिफरेंट ओपिनियन, ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट, विच लेड टू दिस डिसीजन के 100% सेम है, 11 पीपल आर थिंकिंग द सेम थिंग. Okay, so spiral of silence is about that number 11 person जिसने अपनी silence की वजह से उसका agreement नजर आया with the remaining 10 people. तो spiral of silence is created because of ये जो तीन words मैंने आपको कहे के humiliation, ubiquity and consonance, जो के number 11 ने अपनी खामोशी के through assert कर दी. तो dominant opinion जो थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इम्प्रेशन यही था ना कि जो 10 लोग सोच रहे हैं दैट इज द डोमिनेंट ओपिनियन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन आपको 10 persons में नजर आई, तो 11th person जो है वो साइलेंस की वजह से इग्नोर हो गया. ओके, तो एनी कॉमेंट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सो यू आर सीइंग के 10 पीपल एग्री टू दिस आइडिया and you are saying ke there is no different idea expressed. Okay, to jo 11th opinion express nahi hui uski wajah se impression, they shape impression about which opinion are dominant, they shape impression about which opinions are on the increase, they shape impressions about which opinions one can utter in public without becoming isolated. ठीक है, तो वो जो 11वां बंदा था उसने आइसोलेशन के फियर की वजह से अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की. ओके,
क्योंकि ही न्यू कि 10 लोग एक जैसी बात सोच रहे हैं और 11वां वो बात नहीं सोच रहा है, तो फियर ऑफ आइसोलेशन लीड्स टू स्पाइरल ऑफ साइलेंस. तो वो सिर्फ ये कह रही है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन. क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन तो यही थी कि 10 पीपल आर थिंकिंग द सेम थिंग, राइट? सो दिस बिकम्स द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर दिस साइलेंस एंड द फियर. इट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आइसोलेशन. ओके, तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस क्लियर है जी? स्पाइरल ऑफ साइलेंस. All right. So, उसने कहा कि अब ये देखे ना कि 1991 को वो कोट कर रहा है, लासोरा 1991 questioned whether the fear of a hostile climate of opinion is really that strong. तो इसने असल में ये जो मैंने आपसे कहा था कि बाकी वेरिएबल्स को एलिजाबेथ न्यूमैन ने कहा कि एक बंदा खामोश रहता है because of the dominant opinion or distribution of dominant opinion. तो वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर ये बाकी फैक्टर्स अप्लाई करो, एज, एजुकेशन, इनकम, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, राइट? कि एक बंदे की सेल्फ एफिकेसी कितनी है. अगर आप इलेक्शंस के हवाले से ही अगर बात कर रहे हैं या किसी किसी ऐसी न्यूज की जिसको इसने शायान सनी ने एक दो दिन पहले टीवी पे देखा, या जो अभी आप वो रेपिस्ट के बारे में, जो आप लॉस के बारे में बात कर रहे थे, तो ही इज जस्ट सेइंग कि आप लारोसे इज सेइंग कि लुक एट अप्लाई अदर वेरिएबल्स. कि आप स्पाइरल ऑफ साइलेंस के ऊपर एज का वेरिएबल अप्लाई करके देखें कि कौन खामोश रहेगा. वॉज इट फॉर इंस्टेंस सब लोग बात कर रहे थे कि जी फॉर इंस्टेंस कि इलेक्शन में वोट इमरान खान को देना है, या सब लोग ये बात कर रहे थे कि जी रेपिस्ट के लिए जो सजा आ रही है वो बहुत अच्छी है. और वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ था 16 साल का या 15 साल का या 12 साल का, तो ही प्रोबेबली विल बी क्वाइटली लिसनिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइलेंस बिकॉज ऑफ द एज, राइट? देन वी कैन टॉक अबाउट साइलेंस बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, एंड वी कैन टॉक अबाउट साइलेंस कि जी वडेरा बोल रहा था और वडेरे के दोस्त आए हुए थे जो खुद भी बहुत बड़े बड़े वडेरे थे, तो जो वहां पे गरीब आदमी था वो तो उसकी तो इनकम ही कम है तो वो खामोश रहा, या उसकी एजुकेशन सेल्फ एफिकेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एंड मे बी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा पर्सनल रेलिवेंस ऑफ द इशू, कि आपको कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होती, कुछ लोगों को बट दे मे बी इंटरेस्टेड इन डिस्कशन ऑन रेप केसेस, राइट? तो वो पर्सनल रेलेवेंस टू एन इशू के जी ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं, और रेलेवेंस है भी कि नहीं, ठीक है? उसके बाद उसने कहा कि वंस, आप ये देख रहे होंगे सर्टिट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप पे, राइट? तो this is about, you know, like absolute agreement about some issue or some opinion, right? To ke jo listeners hote hain likh raha hai certitude in the correctness of one's position, ke main meri jo bhi position thi after listening to a particular discussion, maybe my opinion has changed. So aapko samajh mein aaya ki certitude ka kya matlab hai? It says absolute certainty or conviction that something is the case, right? तो वो spiral, हम spiral की ही discussion कर रहे थे ना अभी तक. तो spiral में वो आपको ये, वो silence की और वजह भी बता रहा है कि शायद correctness of हमारी position में भी कोई correctness आ रही है. तो 10 डोमिनेंट ओपिनियन जो है, हम डिफरेंट ओपिनियन की वजह से भी खामोश रह सकते हैं, और शायद हम इस वजह से भी खामोश रहते हैं क्योंकि हमारी ओपिनियन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड सर्टिट्यूड इन द करेक्टनेस ऑफ वन्स पोजीशन, ठीक है? तो यहाँ पे उसने, चूंकि वो डिफरेंट वेरिएबल्स की बात कर रहा था लारासो, तो उसने गालबन स्पाइरल के ऊपर कोई स्टडी की कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस इस ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स को या पब्लिक को अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज मोर अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन,
राइट, बाकी सारी भी मोस्टली पब्लिक की ही बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसने स्पाइरल ऑफ साइलेंस को टेस्ट करने के लिए उसने कोई स्टडी कंडक्ट की, जिसमें वो ये कह रहा है कि ही रियलाइज्ड के रिग्रेशन एनालिसिस, उसने एक टेस्ट होता है SPSS, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिस्पोंडेंट्स के की जो रिस्पॉन्सेज आती हैं उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस उनकी कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्योरम, अगर आपने मैथ्स वगैरह किया हुआ है तो यू वुड नो कि एडिशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड सब्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, तो रिग्रेशन एनालिसिस इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शन। तो वो ये कह रहे हैं कि जब उसने रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट की तो उसको ये लगा कि आउटस्पोकननेस जो होती है दैट इज अफेक्टेड बाय डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, कौन कितना आउटस्पोकन है उसका ताल्लुक उसकी एज से, एजुकेशन और इनकम से है। हम बात कर रहे थे ना कि लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस क्यों नहीं करते या एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो ये कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन एज, एजुकेशन एंड इनकम ऑल्सो इन सर्टन केसेस, और फिर लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, राइट। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहा है कि पर्सनल रेलिवेंस ऑफ द इशू जो है वो उसको नजर नहीं आई व्हेन ही टेस्टेड स्पाइरल ऑफ साइलेंस का जो रूल एलिजाबेथ न्यूमैन जो सजेस्ट कर रही थी कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज क्रिएटेड फॉर दिस दिस एंड दिस रीजन, तो उसने कहा जो उसने पर्सनल रेलिवेंस ऑफ इशू भी मेंशन किया था ना यहाँ ऊपर, तो उसने कहा कि जी पर्सनल रेलिवेंस जो है वो शायद रिजेक्ट हो गई। ओके, रिग्रेशन टेस्ट में पर्सनल रेलिवेंस ऑफ इशू का स्पाइरल ऑफ साइलेंस से क्या ताल्लुक था वो रिजेक्ट हो गई। मैंने आपसे कहा कि आप मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं या क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं या क्लेम्स फॉर्म कर सकते हैं कि जी लड़कियां जो हैं वो बाहर रात को 12 बजे सड़क पे फिरती लड़कों की तरह इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, ठीक है। तो दिस वाज अ क्लेम जो मैंने अभी कहा। उसके बाद मैंने जाके कोई 100 पेरेंट्स से पूछ लिया कि आप लड़कियों को क्यों नहीं जाने देते, तो उन पेरेंट्स ने कह दिया क्योंकि हमारे वी आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेफ्टी। ये तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये था कि जी आप लड़कियों को जाने देंगे रात 12 बजे बाहर, तो आपके परहैप्स 90 पेरेंट्स ने जवाब दिया नो। ओके, तो नो जैसे ही जवाब दिया तो आपने कहा कि जी मेरा क्लेम ये था कि पेरेंट्स नहीं जाने देते इसलिए लड़कियां रात 12 बजे बाहर नजर नहीं आती, सो माय थीसिस इज एक्सेप्टेड क्योंकि 90 पेरेंट्स ने कह दिया कि हम नहीं जाने देंगे बाहर। ओके, उसके बाद आपने कहा कि जी उन 90 पेरेंट्स में से 95% पेरेंट्स ने ये कहा कि सेफ्टी इज अ प्रॉब्लम इसलिए हम नहीं जाने देते, एंड दैट वॉज माई थीसिस स्टेटमेंट कि सेफ्टी इशू होते हैं लड़कियों के इसलिए नहीं जाने देते। ओके, तो फिर ये भी प्रूव हो गया, तो माई थीसिस सेकेंड थीसिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, और फिर मेरा चौथा सपोज थर्ड क्लेम मेरा ये था कि इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी आती, तो पेरेंट्स ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई वुड से कि माई थीसिस स्टेटमेंट और माई क्लेम वॉज रिजेक्टेड कि लड़कियों को बाहर ना जाने देने की वजह यह है क्योंकि उनको गाड़ी या कोई और व्हीकल चलाने नहीं आता, साइकिल नहीं चलानी आती इसलिए हम रात को 12 बजे बाहर नहीं जाने देते, सो माय स्टेटमेंट वाज रिजेक्टेड। ओके, तो सिमिलरली वो यहाँ पे ये कह रहा है कि पर्सनल इशू जो है वो रिजेक्ट हो गया थ्रू रिग्रेशन टेस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद वो ये कह रहा है कि कुछ और थेरिस ने भी स्पाइरल ऑफ साइलेंस को क्वेश्चन किया और उसको स्टडी करने की और उसको टेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उसने ये कहा कि ये गोंजालेस का नाम उसने लिखा हुआ है जिसने फिलीपींस के इलेक्शंस के दौरान स्पाइरल ऑफ साइलेंस को टेस्ट करने की कोशिश की, और वो कह रहा था कि जी काफी अरसे से ओवर डेकेड्स, क्योंकि न्यूमैन एलिजाबेथ न्यूमैन बात कर रही है कि कितने अरसे से, टाइम आल्सो मैटर्स कि कितनी पुरानी एसिमिलेशन की बात कर रही थी ना, क्यूमिलिएशन यूबिकिटी एंड कॉन्जोनेंस कह रही थी कि बार बार बात करते रहो बार बार बात करते रहो तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस क्रिएट हो सकती है, पीपल डू नॉट मेंशन देयर डिफरेंट ओपिनियंस। तो वो ये कह रहा है फर्डिनेंड मैक्रोस के जी फिलीपींस में एक सिचुएशन नजर आ रही थी ओवर द डेकेड्स जिसके क्यूमिलिएटिवनेस
consonants and ubiquity should have worked. लेकिन हुआ ये कि वहां पे रेवोल्यूशन आ गई, तो रेवोल्यूशन की वजह से ये जो एलिजाबेथ न्यूमैन बात करी थी क्यूमुलेटिवनेस कॉन्सोनेंस एंड यूबिकिटी, वो सारी की सारी रिजेक्ट हो गई. ओके, तो वी कैन से कि देयर कैन बी सिचुएशंस जिसकी वजह से स्पाइरल ऑफ साइलेंस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि उसने उसको फिलीपींस में फर्डिनेंड मैक्रोज, रेन ऑफ फर्डिनेंड मैक्रोज, उसने कहा कि उसका रेन खत्म हो रहा था और उसके एंड पे जब मैक्रोज वेंट डाउन इन अ रेवोल्यूशन, तो जब रेवोल्यूशन आई तो ये जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस का जो थेरी था, तो उसको लगा कि इस किस्म के सिनेरियो में तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस काम ही नहीं किया इसने. ठीक है, और वो ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर्स एंड कैथलिक चर्च रेडियो स्टेशन जो है फिलीपींस में, देवर द डाइवर्स रिपोर्टिंग मीडिया, तो जिसकी वजह से दे रियलाइज कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस ने इस रेवोल्यूशन वाले सिनेरियो में फंक्शन नहीं किया. मीडिया हेजेमनी मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था. मैंने आपसे कहा कि दिस इज अबाउट मार्क्सिस्ट है, क्योंकि मार्क्सिस्ट वर टॉकिंग अबाउट हेजेमनी, आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास. रूलिंग क्लास जो है, या जिसको आप कहते हैं रिच या एलीट, उसको लगता है कि जी ड्रेसेस इस तरह के होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए, तो वो फिर इफेक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन करेगा, राइट. उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो जो गरीब आदमी होगा उसको भी लगेगा कि मुझे अपने बच्चे को अंग्रेजी जल्द से जल्द सिखा देनी चाहिए. तो वो सिंपली ये कह रहा है कि मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी के आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास इन सोसाइटी बिकम द रूलिंग आइडियाज, क्योंकि अपर क्लास को लगता है कि मॉडर्न ड्रेसेस होने चाहिए और अंग्रेजी जबान होनी चाहिए, तो इसकी डिस्पर्जन होगी इन सोसाइटी. तो हेजेमनी इज बिकॉज ऑफ दैट डिस्पर्जन, बिकॉज रूलिंग क्लास लिव्स इन अ सर्टन वे, और जो रूलिंग का जो परवेसिव, वो उसको कह रहे हैं कि इट्स अ परवेसिव फिनोमिनन के, लेकिन उसने कहा था कि इसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है टू टेस्ट हेजेमनी, तो कैन हेजेमनी बी प्रूव थ्रू. जी शजी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डायरेक्ट पूछ लेंगे. जी मैम, मैम ये जो मीडिया हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ कोई है इसका रिलेशनशिप, मतलब इन द सेंस के उसमें भी चूंकि हेजेमोनिक आइडियाज की बात है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा कि अभी आप लोग कह रहे थे, अभी आ रही है कि नहीं? जी मैम आ रही है. हाँ, आपने कहा कि जी इमरान खान ने कहा है कि रेपिस्ट शुड बी पनिश्ड इन दिस 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 मैनर, राइट. तो अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से उसकी सपोर्ट डेवलप होगी, या आपको जो मैंने फॉर इंस्टेंस ड्रेस की बात की, जैसे मैंने मॉडर्निटी की बात की, थिंकिंग की बात की, कि मोस्ट पीपल आर वेरी कन्वेंशनल, दे थिंक के विमेन शुड बी कन्वेंशनल, दे शुड बी डोमेस्टिकेटेड, दे शुड नॉट गो आउट एट नाइट, सो पीपल वॉन्ट टू कंट्रोल द विमेन मोबिलिटी, और women should देखे ना कि जो बहुत फैमिलीज में होता है कि फैमिली जो हेड ऑफ फैमिली है वो डिसाइड कर लेता है कि पूरी फैमिली जाके इमरान खान को वोट देके आएगी, सो 10 मेंबर्स ऑफ फैमिली विल गो आउट एंड वोट फॉर इमरान खान, राइट. आई वुड से कि माय ब्रदर वाज सो एक्साइटेड कि वो इमरान खान को वोट देने कराची से लाहौर आया, क्योंकि उसका वोट लाहौर में रजिस्टर्ड था, राइट. तो ना सिर्फ ये कि अकेला आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी हैवी कॉस्ट है इफ ही वांट्स टू वोट इन लाहौर, कि उसके अपना वोट, बीवी का वोट, और एक बेटी हो गई थी 18 साल की, बट ही 5 पीपल वर ट्रैवलिंग, क्योंकि बाकी बच्चों को वहां कराची छोड़ के नहीं आ सकता था ना, सो 5 पीपल ट्रैवल्ड टू वोट बिकॉज दे वांटेड टू वोट फॉर इमरान खान. सो माय नीस सेज कि आप मुझे लाहौर ले आए हैं, मैंने इमरान खान को वोट नहीं करना. So my brother said, वोट करो, बेशक इमरान को वोट ना दो. So I thought, I was thinking के this time I will not vote. I wanted to boycott. Okay?
बट देन आई थॉट जिसको हम स्पाइरल ऑफ साइलेंस और नॉन साइलेंस के सेंस में देखेंगे, तो मैंने कहा ये इतनी दूर से 5 लोग आए हैं जस्ट टू वोट फॉर 2018 इलेक्शंस, तो मैंने कहा मैं लाहौर बैठ के वोट ना दूं, मैंने तो यहाँ पे टेक में ही देना था वोट। सुबह सुबह मैं उठी और 5 मिनट में वोट दे के वापस आ गई। सो यू कैन से कि ये आप आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास को वो सिंपली ये कह रहा है, आपका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेफिनेटली ये सारी थेरीज वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी चलती हैं, हर जगह यूज होती हैं, तो आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशंस पे भी अप्लाई होंगे, इकोनॉमिक सिचुएशंस पे, और फिर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और मैंने बात किया था इफेक्ट ऑन ड्रेस कोड्स फॉर एग्जांपल। तो यू कैन से कि ये जो है हेजेमनी इन टर्म्स ऑफ फैशंस भी तो फिर चला जाएगा ना, और फिर फैशन इज अगेन कनेक्टेड टू इकोनॉमी, सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली आप इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इफेक्ट, सिर्फ इतना इसका सिंपलेस्ट पार्ट ये है, आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास बिकम्स द रूलिंग आइडिया। तो रूलिंग आइडिया जो है कि जी लड़की किसी भी वक्त जा सकती है घर से बाहर, जो कि इस वक्त आपका ड्रामा आपको दिखा रहा है ना कि यू कैन बी व्हाट यू वांट टू बी, राइट? सो प्रेजेंट ड्रामा अगर आपको दिखा रहा है यू कैन बी व्हाट यू वांट टू बी, तो यू एंड देन यू आर सेइंग द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास या फिल्म मेकर्स या चैनल्स, इन सब के सामने एक सर्टन, इनके पीछे एक सर्टन क्लास है ना, प्रोडक्शन का बजट आपके गरीब आदमी के पास तो है ही नहीं, वो ड्रामा जाके बनाए जिसमें उसको लग रहा है कि नहीं वेमेन शुड लिव इन दिस वे, तो वो इफेक्ट आ रहा है। तो आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास कॉन्सेप्ट सिंपली यही है कि द आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास बिकम्स द रूलिंग आइडिया। अच्छा, इसमें जो जिससे लगता है कि इट्स अ परवेसिव फिनोमिनन, वो सिंपली ये कह रहा था कि आप इसमें कंट्रोल ग्रुप और कैसे फॉर्म करेंगे, अगर आप इसको हेजेमनी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करना चाहें तो आपको देखें ना, कंट्रोल ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनका ये एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन अगर आप मीडिया हेजेमनी की बात कर रहे हैं तो जो कंट्रोल ग्रुप में लोग होंगे और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जो दो ग्रुप्स आप बना रहे होंगे, आपको पता होगा कि कंट्रोल ग्रुप के लोगों को एक्सपोज नहीं करते जिस चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, कंट्रोल ग्रुप के लोगों को उस चीज से एक्सपोज नहीं करते और एक्सपेरिमेंट ग्रुप के लोगों को उससे एक्सपोज करते हैं। तो उसने कहा कि कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी को अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग होंगे वो एक्सपोज होंगे टू डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि जब वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को एक्सपोज होंगे तो आप मीडिया हेजेमनी के लिए एक्सपेरिमेंट ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकेंगे। और फिर उसने उसके ऊपर कुछ और उसने कहा कि कुछ assumptions हैं हेजेमनी के अंदर कि हेजेमनी कैसे फंक्शन करती है। तो उसमें कह रहा है कि जो जर्नलिस्ट्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं फॉर इंस्टेंस, देयर सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स गाइडलाइंस, राइट? अगर आप अखबार की बात कर रहे हैं तो जर्नलिस्ट को पता है कि आज उसने कहाँ कहाँ जाना है, नेशनल असेंबली में जाना है, फला पुलिस स्टेशन में जाना है या कहाँ जाना है। तो वो ये कह रहा है कि सोहिया नवाज शरीफ या पीटीआई की का कोई प्रोग्राम है, वहां पे जाना है। तो वो ये कह रहा है कि सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स गाइडलाइंस, वर्क रूटीन्स, ओरिएंटेशंस के जो जर्नलिस्ट पीटीआई का सपोर्टर है वो पीटीआई की सपोर्ट में रिपोर्ट लिखेगा, राइट? तो वो ये कह रहा है कि फिर उसकी गाइडलाइन, उसकी वर्क रूटीन और ओरिएंटेशन जो है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगी। उसके बाद वो अगला ये कह रहा है कि अक्सर जो जर्नलिस्ट हैं वो स्टेटस को सपोर्ट करते हैं, राइट? आप ये देख रहे हैं, वाइल वी कैन से कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या आपको हम टीवी प्लेज और ARY के प्लेज में नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट के जो प्लेस हैं वो हेजेमनी को सपोर्ट कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस एलीट बिलीव्स के जी महविश जो मेरे पास तुम हो में है उसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फॉर विच इज बोथ इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल, राइट? क्योंकि काफी सारे लोगों ने कहा कि 2% की औरत जब उसको कहा गया महविश को, तो जो नदीम बेग है फिल्म मेकर या खलीलुर रहमान कमर है डायरेक्टर,
उसने तो स्टेटसको को ब्रेक करने की कोशिश की गालबन. आई मीन यू कैन डिबेट दिस आइडिया, आई एम जस्ट लाउडली थिंकिंग कि स्टेटसको ये है कि मैविश जैसी वुमन जो है शी वुड एंड अप विद ऑनर किलिंग, राइट. जबकि चैनल ये दिखा रहा है कि मैविश डज नॉट फेस ऑनर किलिंग, बल्कि फिल्म ड्रामे के एंड पे दानिश डाइज, हर हस्बैंड डाइज, राइट. क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसके उसके तमाम एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है बाय लेटिंग हर गो विद द अदर कैरेक्टर शहवार. तो जो ड्रामा था वो स्टेटसको को तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रामा वॉज प्रेजेंटिंग अ सर्टन टाइप ऑफ एलीट आइडिया. ओके, तो वो सिंपली ये कह रहा है कि जर्नलिस्ट जो है वो कहाँ सोशलाइज करता है, एलीट आइडियाज स्टेटस को सपोर्ट करता है. और नंबर थ्री पे ये कह रहा है कि अक्सर जर्नलिस्ट जो है वो प्रो अमेरिकन होते हैं. ओके, और जो प्रो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, प्लीज याद रखिएगा दिस आर्टिकल इज रिटन इन अ सर्टन कंट्री, तो प्रॉबेबली ही इज फोकसिंग ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री एज वेल. ओके, तो वो ये कह रहा है कि अक्सर जर्नलिस्ट प्रो अमेरिकन होते हैं और दूसरी कंट्रीज की, फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसकी वो नेगेटिव कवरेज ही करते हैं. ओके, सो यू मस्ट नो कि ये जो हेजमनी में है वो ये कह रहा है कि जर्नलिस्ट की रूटीन्स, जर्नलिस्ट का स्टेटस को उसको सपोर्ट करना और प्रो अमेरिकन होना जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि हेजमनी को बिल्डअप करने में बड़े यूजफुल हैं. आप इन तीनों को भी यूज कर सकते हैं टू स्टडी के हेजमनी यहाँ पे काम कर रही है पाकिस्तान में सर्टन सिनेरियो के अंदर या नहीं, बिकॉज इसने यहाँ पे ये तीन चीजें दी हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि अल्थीड का नाम लिखा हुआ था जो कि ये इन तीन चीजों को, तीन फैक्टर्स की बात कर रहा है कि हेजमनी बिल्डअप करने में क्या करते हैं. ओके, तो यहाँ पे उसने ये लिखा था कि अल्थीड यहाँ पे ये कह रहा है कि जर्नलिस्ट जो है वो ईज आउट, ये डिटेंटे नजर आ रहा है आपको सबसे नीचे लिखा हुआ यहाँ, डिटेंटे कवरिंग डिटेंटे. जी मैम, जब वो फॉरेन कंट्रीज की रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो वो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता जर्नलिस्ट, राइट. कि सिचुएशन को ईज आउट भी तो कर सकता है ना, कि अगर 9/11 में पाकिस्तान का नाम आया एज टेररिस्ट तो जर्नलिस्ट ने उसको ईज आउट करने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान के सपोर्ट में, राइट. तो बेसिकली आप उसको सिंपली ये देखें, मैं इसको प्लीज क्लोज करने लगी हूँ विद इन 5 मिनट्स, आई एम सॉरी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पे वो सिंपली वो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहा है पाकिस्तान ये फॉल ऑफ ढाका की, कि जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईस्ट पाकिस्तान को या बांग्लादेश की सपोर्ट में लिखना शुरू कर दिया, राइट. तो वो यहाँ पे जो शुरू में कह रहा था ना कि जी अक्सर जर्नलिस्ट प्रो अमेरिकन कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये इस वक्त अमेरिकन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है अल्थीड, तो वो ये कह रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, जिसका मतलब है कि वो जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था या आइडियाज ऑफ द एलीट वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया ना, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और कर रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ और कर रहा है. लेकिन प्लीज रिमेम्बर कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे भी एलीट है, बिकॉज मीडिया इज इन मैनी केसेज इज ओन्ड बाई द एलीट. लेकिन उसने आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया कि जो हम थेरीज डिवेलप कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही होती हैं. तो मैंने अभी आपको एक पीछे फिलीपींस वाली सिचुएशन बताई थी जहाँ पे न्यूमैन का जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस था काम नहीं कर रहा था डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ साइलेंस, और रेवोल्यूशन की वजह से काम नहीं कर रहा था. और यहाँ पे वो ये बता रहा है कि हेजमनी जो थी होनी चाहिए थी, तो उसने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो भी कह रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स वो नहीं कह रहा था. अच्छा, ये हमने ब्रीफली बात अभी की है कि इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन वायलेंस. वो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा था कि उसने कहा कि 12 साल की एज तक बच्चा जो है 101,000 वायलेंट सीन्स देख चुका होता है और 13,400 डेथ्स देख चुका होता है. कैन यू सी दिस, इट इज सेइंग कि बाय द एज ऑफ 12 द एवरेज चाइल्ड हैज वॉच्ड 101,000 वायलेंट एपिसोड्स ऑन टेलीविजन.
इंक्लूडिंग 13,400 एंड डेथ 1400 डेथ्स. तो ये दिस एक्चुअली गोज बैक टू वो जो आपसे मैं बात कर रही थी ना कि इनसेंसिटिविटी डेवलप होती है कि आप को चीजें जो हैं आपको लगता है कि वायलेंस को रोकने के बजाय आपने उसको इनसेंसिटिव कर दिया एंड चिल्ड्रन थिंक दैट वायलेंस इज द सॉल्यूशन. तो उस इस थ्योरी के ऊपर भी ये अटैक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस इसने यहाँ पे दिया कथारसिस हाइपोथेसिस कि अगर आपने डेथ और वायलेंस टीवी पे देख ली तो हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा अब मुझे इतना वायलेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने टेलीविजन वायलेंस के थ्रू या डेथ के थ्रू आपका कथारसिस हो गया. राइट तो यू कैन सी कि एक तरफ आपको कथारसिस नजर आ रहा है, दूसरी तरफ स्टिमुलेशन नजर आ रहा है कि आपको टेलीविजन में नजर आया या फिल्म में नजर आया कि यू शुड बी वायलेंट, वन हैज टू बी वायलेंट. क्या नाम था उसका पाकिस्तानी वायलेंट मशहूर और मारूफ फिल्म मौला जट. ओके तो मौला जट जो है वो आपने देखा कि मौला जट जो है वो स्टिमुलेट हुआ और उसने जाके चीजें सॉल्व की और तो व्यूअर आल्सो गॉट स्टिमुलेटेड और उसको लगा कि उसको मौला के थ्रू मौला जैसे एक्शंस करने चाहिए, वायलेंट एक्शंस. ओके लेकिन आपको एट द सेम टाइम आपको टीवी में वो देख के आप का कथारसिस हो गया तो फिर यू डिड नॉट बिकम वायलेंट. और एट द सेम टाइम यहाँ पे ये डिस इनहिबिशन की बात कर रहा है, जब आपको स्टिमुलेशन इमिटेशन एंड डिस इनहिबिशन कि आपके अंदर आप स्टिमुलेट हुए, आपने मौला के एक्शन को इमिटेट किया और आपको कोई इनहिबिशन नहीं हुई, डिस इनहिबिशन. राइट तो आपने कहा कि मौला ने जाके मारा था तो मैं भी जाके मारा था. तो यू कैन एक्चुअली सी के कथारसिस हाइपोथेसिस काम करेगी या स्टिमुलेशन इमिटेशन एंड डिस इनहिबिशन फंक्शन करेंगे. ऑलराइट आई थिंक विद दिस अभी आई शुड फिनिश टुडे सेशन. कोई बात है वायलेंस के ऊपर के सिनेमा में वायलेंस जो है या टॉम एंड जेरी की वायलेंस आपको एग्रेसिव बनाएगी या आपको कथारसिस में हेल्प करेगी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए. क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये बच्चे जो हैं वो अनटचेबल्स के सीन जो हैं वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह. जी कोई क्वेश्चन है या शुड आई लेट यू गो? शजी टॉम एंड जेरी में हमेशा दोस्ती कर लेते हैं वैसे, वो पॉजिटिव मैसेज भी आ जाता है थोड़ा सा. ओके थैंक यू हाफिज. Love is, ma'am.